मैं हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्राणी हैं जीव जगत में, जिनकी संख्या लाखों में है, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो है वो गाय है। हमारे भारत के सभी धर्म शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में, पुराणों में, मनुष्य जाति से भी ज्यादा श्रेष्ठ गाय है। मनुष्य के बारे में हमारे देश के सभी धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में समय समय पर गिरावट आती रहती है और मनुष्य जो है ना पद भ्रष्ट होता रहता है, जाति भ्रष्ट होता रहता है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, मद और लोभ सभी तरह के कषाय उत्पन्न होते हैं और खराब से खराब पाप भी कर सकता है। लेकिन गाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गाय कभी भी पदभ्रष्ट नहीं होती, गाय में कभी भी काम, क्रोध, मद और लोभ कषाय उत्पन्न नहीं होते और गाय का जीवन संपूर्ण रीति से व्यवस्थित और संतुलित होता है। इसलिए मनुष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ गाय है हमारे यहाँ। गाय के बारे में हमारे भारत में सबसे ज्यादा माहिती जिन शास्त्रों में दी गई है, उन शास्त्रों का थोड़ा अभ्यास पिछले 5-6 वर्षों से मैं करता। वो सभी शास्त्र ये कहते हैं कि भारत देश की पूरी सभ्यता में 84 लाख किस्म के प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं। इनमें गाय सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य से भी ज्यादा ऊंची है और इसलिए गाय को माना यह गया है कि देवताओं की सबसे ज्यादा प्रिय है और देवताओं के सबसे ज्यादा नजदीक है, अर्थात उसमें जितने भी गुण हैं वो सभी देवताओं के। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी अभी हम सभी ने यात्रा निकाली, दिंडी निकाली, हम सभी के साथ में गाय चल रही थी, मैं गाय के सबसे पीछे था, तो आपने महसूस किया होगा वो बार बार आवाज दे रही थी। आपको मालूम है वो आवाज किसके लिए दे रही थी? ये समय उसको दूध देने का समय है और वो अपने बछड़ा या बछड़ी को आवाज दे रही थी। गाय का समय निश्चित होता है, हम घड़ी देख के बात करते हैं, वो बिना घड़ी देखे समय से हर काम करती। सुबह का दूध देने का समय निश्चित, शाम का दूध देने का समय निश्चित, तो अभी उसके दूध देने का समय था इसलिए वो बार बार आवाज दे रही थी। और अगर अभी आप जाके देखो तो इस समय कोई ना कोई उसका दूध पी रहा होगा या दूध निकाल रहा होगा। माने ऐसा अद्भुत मातृत्व का गुण वो गाय में है। समय होते ही उसको अपने बच्चे की याद आती है और इतनी संवेदनशील है ये कि बछड़े या बछड़ी को जितना दूध लगता है उतना ही देगी, उससे ज्यादा नहीं उसको पीने देगी, बचा हुआ दूध आपके और मेरे काम के लिए छोड़ देगी। तो मातृत्व का जो गुण सबसे अधिक अगर किसी में है तो गाय में। हमारे यहाँ माना यह जाता है कि अपनी जो आई होती है ना वो भी जास्ती से जास्ती 6 महीने दूध पिलाती है, लेकिन ये गाय जीवन पर्यंत दूध पिलाती। इसलिए इस गाय को आई जैसा दर्जा, आई के बराबर का दर्जा और कहीं कहीं आई से ऊंचा दर्जा दिया गया। हमारे भारत में हजारों लाखों साल के इतिहास में अगर आप ध्यान दें तो गाय का ही महत्व रहा है। उदाहरण के लिए जिस भगवान कृष्ण के नगर आलंदी में आप रहते हैं, विट्ठल का मंदिर जहां पर है, आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन गाय की सेवा में ही बीता है। उन्होंने अपना जीवन पर्यंत गाय की सेवा किया। कृष्ण के घर में 3 लाख गाय थी। कृष्ण के एक भाई थे बलराम, उनके पास भी लगभग 3 लाख गाय थी। दोनों भाई जीवन पर्यंत गाय की सेवा करते रहे। भगवान राम का जन्म गाय की सेवा के पश्चात ही हुआ है, ये आप जानते हैं। भगवान राम के जो पिता थे ना दशरथ, उनको संतान नहीं हो रही थी, बहुत प्रयत्न वो कर रहे थे, संतान नहीं हो रही थी। और संतान नहीं हो रही थी इसी चक्कर में उन्होंने 3 शादियां की, पहली पत्नी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी केकई, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। तो उनके परिवार में उनके एक गुरु थे,
उनका नाम था वशिष्ठ। जब उन्होंने दशरथ ने वशिष्ठ को कहा कि मैं क्या करूं, मेरे घर में संतान नहीं हो रही है, राज्य का वारिस नहीं है, आगे ये राज्य कैसे चलेगा, तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम पहले गाय की सेवा करो, गाय अगर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगी तो तुमको जरूर संतान होगी। तो राजा दशरथ ने एक नंदिनी गाय घर में लाई, वशिष्ठ के आश्रम से उसको दान करके उन्होंने प्राप्त किया, और उस नंदिनी गाय की सेवा के पश्चात ही भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ का जो कुल है वो रघुकुल है। रघुकुल की ऐसी बहुत पुरानी मान्यता और परंपरा है गाय की सेवा कर। राजा दशरथ के बहुत पहले एक राजा हुए दिलीप, इसी कुल में, रघुकुल में, वो भी गाय की सेवा के लिए इतने मशहूर है कि भारत में उनकी कहानी बच्चे बच्चे के जवान पर है। राजा दिलीप ने अपना राजपाट सब मंत्रियों को दे दिया और पूरे समय 24 तास गाय की सेवा में वो लगे रहते थे। एक बार उनकी गाय जंगल में चरने के लिए गई, राजा दिलीप भी उसके पीछे पीछे गए। रास्ते में एक शेर आ गया और उस शेर ने गाय को खाने का प्रयत्न किया, तो राजा दिलीप ने अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत किया कि तुम चाहो तो मुझे काट के खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। इतना महत्व तो हमारे देश में है। राजा दिलीप जैसे राजा, रघुकुल जैसा कुल, वहां गाय की सेवा ही सबसे अंतिम भक्ति मानी जाती है। कृष्ण का, राम का, बलराम का, सभी भगवान का, देवताओं का अगर हम ध्यान करें तो पता चलेगा कि गाय सबके लिए महत्वपूर्ण है। इतना क्यों महत्व है गाय को, कारण क्या है इसका? कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही तो नहीं है। हमारे भारत देश में हजारों की संख्या में ऋषि मुनि हुए और उन्होंने गाय पर सबसे ज्यादा शोध किया, और गाय के बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो कारण बना गाय के प्रशंसा के लिए और महत्व के लिए। गाय में कुछ ऐसे गुण हैं जो सबसे ज्यादा उसको प्रशंसनीय बनाते हैं। सबसे बड़ा गुण उसमें, मैंने आपसे कहा, मातृत्व का गुण। जैसे हमारी आई होती है वैसे ही गाय है। हमारी आई आधा पेट खाना खाती है, कम खाना खाती है, फिर भी परिवार का संचालन बदस्तूर करती है। गाय की भी यही विशेषता है कि वो भोजन कम खाएगी, लेकिन अपने बछड़े और बछड़ी के लिए या अपने संचालक और पालक के लिए भरपूर दूध देगी। तो उसमें आई का जो मातृत्व गुण है सबसे ज्यादा प्रधानता के साथ है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये दुनिया का ऐसा अद्भुत प्राणी है जो ऐसी चीज खाता है जो हम नहीं खा सकते। हमारे देश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, खेती सबसे बड़ा व्यवसाय है। खेती में हम कुछ भी जमीन में बियारण डालते हैं, जो कुछ भी पौधा निकलता है तो उसका ऊपर का हिस्सा जो फल है वो तो हम खाते हैं, बीच का हिस्सा जो हम नहीं खा सकते वो गाय खाती है। आप नहीं खा सकते ना, ज्वारी का ऊपर का हिस्सा आपने खाया, बीच का आप नहीं खा सकते। जो आप नहीं खा सकते उसको गाय खाती है और उसको खाकर आपको अमृत जैसा दूध देती है। कचरा खाती है और सबसे महत्वपूर्ण दूध देती है। उस दूध का आप दही बना सकते हैं, दही से ताक निकाल सकते हैं, ताक में से मक्खन बना सकते हैं, मक्खन से घी बन सकता है। माने कचरा खाके वो ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें देती है जो हमारे लिए औषधीय गुण वाली है। ये दूसरा उसका महत्व। तीसरा उसका महत्व ये है कि बहुत ही संवेदनशील है गाय, बहुत समझदार और बहुत संवेदनशील। तो इतनी समझदार है कि गाय को अगर आपने छोड़ दिया तो उसको पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। मशीन को अगर कहीं छोड़ दिया, भैंस को, तो वो आती नहीं, पकड़ के लाना पड़ता। गाय को जो पालन करने वाला, गाय का पालक है ना, गोपालक, उसके घर में समय होने पर निश्चित समय आ जाती है वो चुपचाप, पकड़ के नहीं लाना पड़ता उसको। उसको घर माहिती है, गोपालक के बारे में माहिती है। और कई बार मैंने देखा है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसको इतनी संवेदना है
कि वो जंगल में जाएगी और ऐसी घास या जड़ी बूटी खा के आएगी जिसका औषधीय गुण दूध में आए और वो दूध गोपालक पिए तो ठीक हो जाए। इतनी संवेदनशीलता कायम है। दूसरा उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जो कुछ भी खाती है, दूध तो देती है, दूध के अलावा शेण देती है। वो शेण हमारी श्वेती का सबसे बड़ा आधार है। आप जानते हैं कि भारत में हजारों साल से जो श्वेती होती है वो गाय के शेण पर ही होती है। यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट की जो श्वेती आज हो रही है ये 25-30 साल पहले से हो रही है। उसके पहले इस देश में यूरिया डीएपी कोई जानता नहीं था, समझता भी नहीं था। सारी की सारी श्वेती इस देश में गाय का शेण गोमूत्र पर आधारित होती थी। और गाय के शेण और गोमूत्र की श्वेती का उत्पन्न कितना होता था अगर आप कल्पना करें, तो मेरे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये बताते हैं कि सन 1850 में भारत देश में गाय के शेण का उपयोग करके एक एकड़ क्षेत्र में 56 क्विंटल धान उत्पन्न होता था। आज हमारे देश में यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट वापरने के बाद और हाइब्रिड बियारण वापरने के बाद एक एकड़ क्षेत्र में जास्ती से जास्ती 25 क्विंटल धान उत्पन्न होता है। आज से 150 साल पहले गाय के शेण का उपयोग करके एक एकड़ क्षेत्र में 56 क्विंटल धान उत्पन्न होता है। तो श्वेती का उत्पन्न सबसे जास्ती गाय से मिलता है। दूध, दही, घी सबसे ज्यादा गाय से मिलता है। और सबसे महत्व की बात यह है कि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा शोध करने वाले एक ऋषि जिनका नाम था चरक ऋषि, उनका ये कहना है कि गाय जिसके घर में है उसके घर में किसी वैद्य की जरूरत नहीं। मतलब उस घर में जितने भी रोग उत्पन्न होंगे उन सभी रोगों का इलाज गाय से हो जाएगा। गाय से मतलब गाय के शेण से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, दूध के दही से, दही की ताक से, ताक के मक्खन से, मक्खन के घी से, इन सभी पंचगव्य वस्तुओं से सभी तरह के रोगों का इलाज भारत में हो जाता है। ये चरक ऋषि ने 3000 वर्ष पहले लिखा। और 3000 वर्ष पहले जब उन्होंने ये लिखा तो उस पर उन्होंने हजारों प्रयोग किए और वे सभी प्रयोग उनके सिद्ध हुए। उसके बाद उन्होंने चरक संहिता में ये लिखा। चरक संहिता के अलावा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है भाव प्रकाश, इसमें भी गौमूत्र की औषधियों के बारे में लिखा हुआ है। और उसमें एक सूत्र है संस्कृत में जो ये कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में, विश्व जगत में जितनी भी औषधि है उनमें सर्वश्रेष्ठ औषधि गौमूत्र है। ऐसे ही आयुर्वेद का एक और बहुत अच्छा सा ग्रंथ है, उसका नाम है निघंटु। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उनका नाम था निघंटु, उन्हीं के नाम पर यह ग्रंथ लिखा गया। उसमें उन्होंने लिखा है कि विश्व में जितने भी रोग होते हैं उनकी संख्या लगभग 148 है। ये आज से 3500 साल पहले उन्होंने कहा। जितने भी रोग होते हैं उनकी संख्या 148 है और ये सभी रोगों का इलाज गाय के शरीर से मिलने वाले दूध, मूत्र, शेण, इन तीनों से हो सकता है। इन सब ऋषियों ने 3500 साल पहले जो कुछ लिखा उसका मैं पिछले 6 वर्षों से अभ्यास करके परीक्षण किया। और मैंने परीक्षण में पिछले से 6 साल में देखा कि ऐसा एक भी रोग नहीं है जो गोमूत्र से अच्छा नहीं होता। सबसे खतरनाक रोग है कैंसर, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, अमेरिका में कोई इलाज नहीं है, यूरोप में कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कैंसर के इलाज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो कैंसर का इलाज गोमूत्र से होता है। और मैंने करके देखा है और एक दो रोगियों को नहीं सैकड़ों दर्दियों को मैंने ठीक किया। ऐसे ही दुनिया में सबसे खराब रोग डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे खराब से खराब रोग जिनका नाम लेते ही लोग डरते हैं, उनका इलाज भी गोमूत्र से बदस्तूर होता है। मैंने बचपन में एक बार मेरी अज्जी से सुना था कि गाय के मूत्र में धन्वंतरी देवता का निवास है। जब मैंने ये सुना तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये धन्वंतरी देवता कैसे गोमूत्र में रहते हैं।
लेकिन अब मैं 6 वर्ष से जब गोमूत्र का परीक्षण करता हूँ और उससे सभी रोग ठीक होते हैं, तो समझ में आया कि धन्वंतरी देवता का निवास कैसा है। आप जानते हैं धन्वंतरी आरोग्य के देवता है, और सबसे अच्छा आरोग्य गोमूत्र से ही मिलता है, इसलिए गोमूत्र में धन्वंतरी का निवास। एक बार बचपन में मेरी अज्जी ने मुझे कहा कि गाय के शेन में लक्ष्मी का निवास है, गोमय वसते लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी। सूत्र है संस्कृत का, गाय के शेन में लक्ष्मी का निवास है, गोमूत्र में धन्वंतरी का निवास है। तो मेरे पहले समझ में नहीं आता था कि ये शेन में लक्ष्मी कैसे रहती है। बाद में पता चला कि गाय के शेन से हम खत बनाते हैं, खत को जब शेत में डालते हैं भरपूर उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न को बाजार में बेचते हैं तो लक्ष्मी आती है, पैसा मिलता है। तो गाय के शेन में लक्ष्मी है, गोमूत्र में धन्वंतरी है, गाय के गले में शंकर जी का निवास है, शंकर भगवान का। तो ये भी मेरे समझ में नहीं आया, बचपन में मैंने ये सुना, उसका बाद में परीक्षण किया तो पता चला। शंकर जी के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक बार जहर पिया, और जहर पिया तो ऐसे पिया कि वो सिर्फ उनके गले में रह गया, नीचे तक नहीं गया, ठीक है, तो उनका गला नीला पड़ गया। उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ महादेव हो गया। ये कहानी सुनी तो मैंने सोचा कि ये शंकर जी का निवास गाय के गले में है, इसका अर्थ क्या है पता करूं। तो एक बार मैंने मेरी गाय को उसके घास चारे में जहर मिला के देना शुरू किया, घास चारे में, ये देखने के लिए कि ये जहर उसके शरीर में जाता है या गले में रहता है। क्योंकि अगर शंकर जी उसके गले में है तो जहर गले के नीचे जाना नहीं चाहिए। और मैंने देखा 1 महीना 2 महीना 6 महीना 7 महीना सतत थोड़ा थोड़ा जहर उसको दिया, वो जहर उसके शरीर में नहीं गया, उसके दूध में भी नहीं आया, मूत्र में भी नहीं आया, शेन में भी नहीं आया, वो सिर्फ उसके गले में रह गया। बाद में उस गाय की जब मृत्यु हुई थी तो हमने उसके गले का डिसेक्शन कराया, तो पता चला जितना जहर हमने उसको दिया था वो सब गले में ही था, उसके नीचे नहीं उतरा, इतनी शक्ति उसमें है। तो गले में शंकर जी रहते हैं, शेन में लक्ष्मी जी रहती है, मूत्र में धन्वंतरी रहते हैं, शरीर के एक एक अंग में 33 तरह के देवताओं का निवास। अब जिस प्राणी में एक साथ 33 देवताओं का निवास हो वो तो सबसे बड़ा है, ईश्वर के बराबर। और आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के धर्म शास्त्रों में कई जगह ये कहा गया है कि भगवान भी गाय की पूजा करते, मनुष्य तो करते ही है, भगवान भी गाय की पूजा करते। हमारे देश के धर्म शास्त्रों में कामधेनु नाम की एक गाय का वर्णन है जिसकी पूजा करके कई देवताओं को उनके मन वांछित फल की प्राप्ति हुई। इंद्र ने कई बार कामधेनु की पूजा की और इंद्र को जो कुछ चाहिए वो कामधेनु की कृपा से मिला है। इंद्र और इंद्र के सहयोगी देवताओं ने बहुत बार कामधेनु की पूजा की है और वो भी उनको गाय के आशीर्वाद से ही मिला है। तो गाय के बारे में हमारे देश में हजारों साल से ये मान्यता है कि ये अद्भुत प्राणी है, विशिष्ट जीव है, मनुष्य से भी ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसके लिए संवेदना प्रेम करुणा की आवश्यकता है, इसको हम कोई कष्ट ना पहुंचाएं। हमारे देश के ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जिस देश की गाय स्वस्थ होती है वो देश दुनिया पर सबसे ऊंचा राज्य करने वाला देश बनता है। ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है जिस देश की गाय स्वस्थ है वो देश विश्वगुरु बन सकता है। कैसे? अगर गाय स्वस्थ है दूध अच्छा होगा, दूध अच्छा है तो दही ताक घी भी मिलेगा, दही ताक घी मक्खन मिलेगा तो लोगों को खाने को मिलेगा, लोग खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, दिमाग से भी तेज रहेंगे, बुद्धि और शरीर दोनों का उपयोग करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो समृद्धि ज्यादा होगी।
और इसी तरह से गाय स्वस्थ है तो गाय का शेण अच्छा होगा, मूत्र अच्छा होगा, गाय के शेण गोमूत्र को खेती में डालेंगे तो उत्पन्न ज्यादा होगा, तो लक्ष्मी ज्यादा मिलेगी। तो भारत में कहा गया है कि जिस राज्य की गाय स्वस्थ होती है वो राज्य दुनिया में सबसे ऊंचा होता है, और जिस राज्य में गाय की हत्या होती है वो राज्य नीचे रसातल में सबसे खराब स्थिति में चला जाता है। ये हमारे देश में ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया। तो भारत के बारे में मैंने बहुत इतिहास का अभ्यास किया, और भारत के इतिहास का जब मैं अभ्यास करता रहा तो मुझे ये पता चला कि जब तक भारत की गाय स्वस्थ थी तब तक भारत विश्व गुरु था। हमारी गाय स्वस्थ थी तो हम विश्व गुरु थे, हमारा उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक था, हमारे यहां दूध और दही इतना अधिक मात्रा में होता था कि कहावत कही जाती है कि दूध दही की नदियां बहती थी। दूध दही की नदियां बहने का मतलब ये नहीं है कि नदियों में पानी की जगह दूध दही बहता था, जितना पानी होता है उतना ही दूध होता है, ये मतलब है कहने। नदियों में जितना पानी है उतना ही दूध देश में उत्पन्न होता था। तो भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, उस समय भारत दुनिया में विश्व गुरु था। लेकिन जब से भारत में गाय का कत्ल होना शुरू हुआ, गाय के प्रति हमारे मन में निराशा आई, गाय को दुख देना शुरू किया, गाय की हत्या करना प्रारंभ हुआ, तभी से ये देश गिरता चला गया। हमारे भारत देश को विश्व गुरु सारी दुनिया ने कब तक माना? 10वीं शताब्दी तक सारी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रीमंत देश भारत था। दुनिया में जो कुल आमदनी होती है ना, कुल आमदनी टोटल इनकम, उसका 33% भारत का होता था। दुनिया में जो कुल व्यवसाय होता था उसका 35% अकेले भारत का होता था। हमारे बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई देश था दुनिया में तो वो चीन था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, किसी देश की कोई हैसियत नहीं थी। और मैंने ये जानने की कोशिश की कि जब 10वीं शताब्दी तक भारत विश्व गुरु था, सबसे ज्यादा श्रीमंत देश, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश, और इतना सामान इस देश में उत्पन्न होता था कि वो हम अपने जीवन में उपयोग करते थे, बचता था तो परदेश में एक्सपोर्ट करते थे, निकास करते थे, जो वस्तु हम बेचते थे उसके बदले में हमको सोना चांदी मिलता था, क्योंकि उस जमाने में रुपया नहीं चलता था। रुपये का चलन तो अभी 500 साल पहले हुआ। पहले रुपया नहीं होता था, सोना होता था, चांदी होती थी, हीरे जवाहरात होते थे, उनका चलन होता था। तो भारत से जो वस्तु परदेश में बिकती थी उसके बदले में हमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मिलते थे, और ये इतनी मात्रा में हमारे देश में आते थे कि सोने के ढेर लग गए इस देश में, और सोने के ढेर इतने ज्यादा लगे कि सोना जरूरत से ज्यादा हो गया। और जब हमारे देश में जरूरत से ज्यादा सोना हुआ तो भारत के नागरिकों ने सोने के मंदिर बनाना शुरू कर दिया। आपने सुना है इस देश में सोने के मंदिर है। दुनिया का अकेला देश भारत है जहां सोने के मंदिर है। दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है, सोने के मंदिर है। और आपने सुना है कि सोने के कितने मंदिर हैं इस देश में, बता सकते हैं कितने मंदिर हैं? स्वर्ण मंदिर। भारत देश में 23,84,000 सोने के मंदिर। किसी मंदिर में सोने का मंडपम है, किसी मंदिर में सोने का छत्रपम है, किसी मंदिर में दरवाजे सोने के हैं, किसी मंदिर में खिड़कियां सोने की हैं, किसी मंदिर में दीवारों पर सोना जड़ा हुआ है, किसी मंदिर में जमीन पर सोना लगा हुआ है, किसी मंदिर में सोने की मूर्ति है, किसी मंदिर में सोने का सिंहासन है, किसी मंदिर में सोने का रथ है, किसी मंदिर में भगवान को झुलाने वाला चवन सोने का है, किसी मंदिर में भगवान का पालना सोने का है, ऐसे 23,84,000 मंदिर।
इतना ज्यादा सोने के मंदिर कैसे बन गए इस देश में? क्योंकि सोना बहुत जास्ती था हमारे पास। कहां से आया सोना? भारत में तो सोना उत्पन्न नहीं होता, सोना तो सबसे जास्ती अफ्रीका में उत्पन्न होता है, तो अपने देश में सोना कहां से आया? तो हमारे देश में जो वस्तुएं उत्पन्न होती थी उनको हम अफ्रीका में बेचते थे, बदले में हमको सोना मिलता। और ये हमने हजारों साल किया। उसमें इतना सोना इकट्ठा हुआ कि घर में उपयोग करने के बाद बच गया तो हमने उसके मंदिर बनाना शुरू कर दिए। ऐसा देश भारत। और जब इस देश के मंदिरों में इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात संपत्ति थी तो उन्हीं मंदिरों को लूटमार करने के लिए विदेशियों ने भारत में आना शुरू किया। सबसे पहला विदेशी जो भारत में आया लूटमार करने के लिए सातवीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम, फिर दसवीं शताब्दी में महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तोमुर लंग, बाबर, बाबर के साथ बहुत सारे लोग, इन सभी ने आकर भारत के मंदिरों को लूटा। मंदिरों को क्यों लूटते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा संपत्ति वहां थी। और इतना सब लूटने के बाद भी भारत में ये मंदिर बच गए तो इसलिए कि लूट करने वाले भी थक गए। आपने इतिहास में कहानी पढ़ी है, महमूद गजनवी 17 बार आया लूटने के लिए एक ही मंदिर को, जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर गुजरात। आप सोचो, एक बार में लूट नहीं पाया, दूसरी बार आया, दो बार में नहीं लूट पाया, तीसरी बार आया, तीन बार में नहीं लूट पाया, चौथी बार आया, 17 बार लगातार आता रहा, 18वीं बार भी आ रहा था, मर गया बीच में। नहीं तो 18वीं बार भी लूट में आ रहा था। ऐसे ही एक वास्को डिगामा आया भारत को लूटने के लिए, वो तीन चार बार लूट के ले गया, एक एक मंदिर को लूटता था, सोने का जहाज भर भर के अशरफी लेके जाता था। तीन बार आया, चौथी बार वो भी लूटने आ रहा था, मर गया, फिर उसकी लाश वहां खुस गई। तो इतिहास ये बताता है कि बहुत सारे विदेशी आए लूटमार करने के लिए और इतना लूटमार किया फिर भी ये मंदिर बच गए क्योंकि संपत्ति बहुत थी और लुटेरे भी थक गए लूटते हुए। तो ऐसा अद्भुत देश था भारत। और ये तब तक रहा जब तक इस देश में गाय, गोमाता, गोवंश का रक्षण हुआ और उसकी पूजा हुई। बाद में क्या हुआ कि ये जो परदेशी आए ना लुटेरे लूटमार करने के लिए, तो इनको तो कुछ पता नहीं था, न गाय के बारे में, न गाय माता के गुणों के बारे में, न भारत की संस्कृति परंपरा के बारे में। तो उन्होंने आकर क्या किया, इस देश में अपने पेट भरन के लिए, उदर पूर्ति के लिए मांस खाते थे वो, तो गाय का मांस खाने के लिए गाय का कत्ल करना शुरू किया। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय तक तो हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले विदेशी लुटेरे आए, नादिर शाह, तैमूर लंग, बाबर, अहमद शाह अब्दाली, महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी आदि आदि, ये सब इस्लाम को मानने वाले थे। इन्होंने 500 साल भारत में आके लूट मार किया। बाद में क्या हुआ, ईसाइयत को मानने वाले आ गए इस देश में। वास्को डिगामा 1498 में आया, उसने भी लूट मार किया। तो ये इस्लाम को मानने वाले और ईसाइयत को मानने वाले, दोनों को ही भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं था, गाय के बारे में पता नहीं था, गोवंश कितना महत्वपूर्ण है ये मालूम नहीं था। तो उन्होंने अपने उदर भरण के लिए गाय का कत्ल करना शुरू किया। और जिस दिन से इस देश में गाय का कत्ल होना शुरू हुआ उसी दिन से ये देश नीचे गिरना शुरू हुआ। और गिरते 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 आज इतना नीचे गिर चुका है कि दुनिया में एक समय का सबसे श्रीमंत राष्ट्र अभी दुनिया का सबसे गरीब और भिखारी देश बन चुका है। इस समय हमारा राष्ट्र दुनिया में सबसे जास्ती कर्जदार देश है। कर्जदार माने भिखारी, जिसके पास अपना कुछ नहीं। हमसे आगे दो ही देश हैं, हमारा नंबर तीसरा
और आज से 1000 साल पहले हम दुनिया के सबसे ऊपर के देश में थे। तो जिस समय गाय की रक्षा थी, गोवंश की पूजा होती थी, भारत, आपके मन में प्रश्न आएगा। मैंने आपसे कहा कि उनको पता ही नहीं था गाय के बारे में, न उन्होंने हमारे धर्म शास्त्र पढ़े थे, न वेदों का अध्ययन किया था, न उपनिषदों का अध्ययन किया था, न वेदांत उन्होंने पढ़े थे, तो उनको कुछ माहिती नहीं थी। अगर आपको किसी चीज के बारे में माहिती नहीं है तो आप उसकी इज्जत करेंगे नहीं करेंगे? अगर माहिती है तो उसका सम्मान करेंगे। विदेशियों को कुछ माहिती नहीं थी, इसलिए उनको जो मिला उसी का कत्ल करके उन्होंने खाने पीने का इंतजाम किया। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये जो विदेशी लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले और ईसाइयत को मानने वाले, ये गाय को ही खाते हैं क्या? ये सबको खाते हैं। गाय मिले तो गाय खा जाते हैं, कुत्ता मिले कुत्ते को खा लेते हैं, सांप मिले सांप को खा जाते हैं, छिपकली मिले छिपकली को खा जाते हैं, वो कीड़ी होती है ना कीड़ी, उसको भी खा जाते हैं। ये यूरोप के जो देश है ना, वो कीड़ी की चटनी बना के खाते हैं। और यूरोप के जिन होटल और रेस्टोरेंट में कीड़ी की चटनी मिलती है ना, वहां सबसे महंगा भोजन मिलता है, कीड़ी की चटनी खा लेते, छिपकली की चटनी बना के खाते हैं, सांप खा जाते हैं, कुत्ते को खाते हैं, चूहे को खाते हैं, मुर्गे मुर्गियों को खाते हैं, गाय मछली भैंस सबको खाते हैं, डूकर को भी खाते हैं, सुअर को, सबको खा जाते हैं। उनको जो मिले वही खाते हैं। आप पूछोगे क्यों, पागल है क्या, उनका दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं है, वो पागल भी नहीं है, उनका दिमाग खराब भी नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मांस वो इसलिए खाते हैं कि उनकी मजबूरी है। मजबूरी पता है क्या है? उनके देश में भाजीपाला नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप अगर यूरोप का प्रवास करेंगे तो यूरोप के किसी भी देश में भाजीपाला नहीं होता। मैंने यूरोप के 33 देशों का प्रवास किया, एक भी देश में भाजीपाला नहीं होता, भाजीपाला नहीं होता। दूसरा, उनके यहां दाल नहीं होती, तुअर की दाल नहीं होती, उड़द की दाल नहीं होती, मूंग की दाल नहीं होती, मसूर की दाल नहीं होती, ना तो भाजीपाला होता है ना दाल होती है। तो आप पूछोगे फिर क्या होता है? उनके यहां बस 3 पीक होते हैं। एक होता है गेहूं, ठीक है, दूसरा होता है मक्का, मक्का मक्की समझते, मक्की, और तीसरा होता है कापूस। बस 3 चीजें होती, गेहूं मक्का कापूस, 3 ही चीजें होती है उनके क्षेत्र में। आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जिन देशों में ये यूरोपियन लोग रहते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, उस देश में सूर्य प्रकाश नहीं है, और बिना सूर्य प्रकाश के खेती में कुछ नहीं होता, ये आप जानते हैं। अगर हम खेती में बियारण डालें और सूर्य प्रकाश ना मिले तो कुछ उत्पन्न होगा नहीं हो। तो ये जितने भी श्रीमंत देश है ना दुनिया में, पाश्चात्य देश, ये सब बहुत गरीब है। किस मामले में? इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। पूरे एक वर्ष में मात्र 3 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है, और वो 3 महीने कौन से होते हैं? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने इन देशों में सूर्य का प्रकाश मिलता है, बाकी 9 महीने वहां सूर्य प्रकाश नहीं मिलता। और सूर्य प्रकाश नहीं होता है तो वहां का तापमान बहुत कम होता है, ठंडी बहुत होती है। कितनी ठंडी होती है आप जानते हैं? बर्फ जमती है तो तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यूरोप के देशों में ये 4 डिग्री से 20-25 डिग्री नीचे तक तापमान होता है, -20, -25, -30, -35। एक बार तो मैं गया था -42 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तापमान बहुत कम होता है तो बर्फ पड़ती है, जैसे हमारे यहां पाउस होता है ना, वैसे उनके यहां बर्फ का पाउस होता है, सतत बर्फ गिरती रहती है। तो बर्फ गिरती रहती है तो खेत में इकट्ठी हो जाती है, एक फीट, दो फीट, पांच फीट, दस फीट, पंद्रह फीट, इतनी ऊंची ऊंची बर्फ हो जाती है, सड़क पे बर्फ हो जाती है, छत पे बर्फ हो जाती है, खेत में बर्फ हो जाती है, और बर्फ में कितना भी बियारण डालो कुछ भी अंकुरण नहीं होता। तो ये यूरोप और अमेरिका के जो देश है ना, यहां की मिट्टी में साल में 9 महीने कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ 3 महीने सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसमें गेहूं, मक्का और कापूस उत्पन्न हो जाता। अभी थोड़े दिन से अमेरिका देश ने एक दो वस्तु और उत्पन्न करना शुरू किया है, वो है बटाटा और एक है कांदा। बस भाजीपाला के नाम पर उनके पास दो वस्तु है, कांदा बटाटा, उसके अलावा किसी कोई वस्तु नहीं। तो अब आप सोचो कि उनके देश में न भाजीपाला है, न दाल है, न सब्जियां है, न जास्ती फल होते हैं, तो वो गेहूं तो करते हैं, गेहूं खाएं किससे, गेहूं तो करेंगे तो गेहूं को पीसेंगे, आटा बनेगा, आटे से पाव रोटी, डबल रोटी बनाते हैं, रोटी बनाना नहीं आता उनको। हाँ, गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आता, सिर्फ पाव रोटी बनाना आता है, भाकरी नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, पाव रोटी डबल रोटी बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि गेहूं के आटे से रोटी बनाने के लिए आटे को जो गूंदना पड़ता है ना पानी के साथ, ये उनको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मैंने वहां के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले प्रोफेसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि गेहूं को रोटी बनाना हो, भाकरी बनाना हो, तो कितना पानी, कितना आटा, तो वो ऐसे घोलते हैं कि उसको लापसी बना देते हैं, रावड़ी बना, उनको नहीं आता। अच्छा, क्यों नहीं आता? किसी ने उनको बताया नहीं। हमारे यहां सबको आता है, क्यों आता है? कि हमको सतत ये बताया जाता है, हमारे घर में हमारी आई, हमारी ताई बराबर बताती है कि नहीं, और बनाती है और बताती भी है। सभी आई अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को, ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलानी पड़ती, कॉलेज नहीं बनाना पड़ता, ये हमारे घर में जो हमारी आई है, ताई है, वही सबको सिखाती रहती है। लेकिन यूरोप की किसी आई और ताई को आता ही नहीं, तो वो सिखाए क्या? तो वो क्या करते हैं, गेहूं का आटा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजकर उससे पाव रोटी डबल रोटी बना देते, अब वही खाते हैं। अब पाव रोटी खाएं किससे? भाजी तो है नहीं, दाल तो है नहीं, तो उनके पास एक ही चीज है, वो है मांस। मांस उनके यहां होता है, गाय होती है तो गाय का मांस है, डूकर होते हैं तो डूकर का मांस है, कुत्ते हैं तो कुत्ते का मांस है, जितने भी जानवर हैं सबका मांस वो निकालते हैं, उसी से पाव रोटी खाते हैं। तो उनको भगवान ने भाजी पाला दिया नहीं, भगवान ने उनको तुअर का दाल दिया नहीं, उड़द मूंग का दाल दिया नहीं, इसलिए वो इतने गरीब हैं कि बेचारे मांस से रोटी खाते हैं या मांस से पाव रोटी खाते हैं। तो वो सब मांसाहारी इसलिए हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं खाने को, तो क्या करें, आप बताओ। और आपको सुनकर तो आश्चर्य होगा कि थोड़े दिन पहले तक ये सब देशों के लोग आदमी का भी मांस खा जाते थे, आदमी का। पता है कैसे होता था वहां? आपको मालूम है ये क्रिश्चियनिटी में कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या करते हैं, जमीन में खड्डा खोद के गाड़ते हैं ना। तो वहां क्या होता था कि एक रात में जिसको खड्डे में डाला, अगले रात वो खड्डा खोद के आदमी को निकाला, उसका मांस खा लिया, उसकी हड्डियों को वहीं डाल दिया। ऐसे वहां हजारों साल चला, क्योंकि कुछ भी नहीं है खाने को। साल में 9 महीने अगर बर्फ गिरेगी तो खेती में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, तो उनके यहां खाने पीने की बहुत समस्या है। ये तो कहानी यूरोप के देशों की है। अब इस्लाम वालों की बताता हूं। ये जो इस्लाम वाले हैं, इनके यहां भी खेती नहीं होती,
आप पूछोगे इनके यहाँ भी बर्फ पड़ती है क्या? नहीं, इनके यहाँ बर्फ नहीं पड़ती है, इनके यहाँ गर्मी बहुत जास्ती पड़ती है। बर्फ तो नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और इनके यहाँ जो श्वेत की मिट्टी है ना, वो रेत जैसी है। रेत समझते? रेत, मिट्टी और रेत में अंतर समझते? तो रेत में कुछ भी नहीं होता, होता है क्या? कितना भी बियारण डालो रेत में कुछ नहीं होता। तो सभी अरब देशों में, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये जितने भी अरब देश हैं, 53 है उनकी संख्या कुल मिलाकर, इनमें मिट्टी नहीं है, रेत है। रेत में कुछ नहीं होता, तो उनको भी तो खाने को कुछ चाहिए। तो वो क्या करते हैं, यूरोप और अमेरिका में जो गेहूं होता है उसको मंगाते हैं, उसी से कुछ कुछ बना के खाते हैं। मांस उनको भी लगता है, क्योंकि भाजीपाला उनके यहां भी नहीं होता। तो ये जो इस्लाम को मानने वाले और ईसाइयत को मानने वाले दो तरह के लोग दुनिया में हैं, इनको ना तो जमीन में अच्छी खेती होती है, ना भाजीपाला होता है, ना तो कुछ और होता है, इसलिए ये सब मांस खाते हैं। तो मांस खाना उनके लिए मजबूरी है, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ? हम मांस क्यों नहीं खाते? हिंदुस्तानी मांस क्यों नहीं खाते? क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में सब कुछ होता है, मांस खाने की जरूरत क्या? हमारे यहां भाजीपाला होता है, दाल होती है, भाजीपाला, दाल, सब्जी सब मिलाकर एक दिन मैंने सूची बनाई तो भारत की खेती में 1400 वस्तुएं उत्पन्न होती है। 500 से ज्यादा तो भाजीपाला है हमारे, अलग अलग गांवों का अलग अलग भाजीपाला, और 15-20 दाल है, तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, सोयाबीन की दाल, चने की दाल। और धान्य में हमारे पास गेहूं है, जवारी है, बाजरी है, मक्की है, धान है, रागी है, धान्य में 20-25 वस्तु है। तो हमारे भारत में विविधता इतनी है खाने पीने की वस्तुओं की, 1400 से जास्ती वस्तुएं खेती में आती है। फल कितने तरह के हैं आप सोचो, हर मौसम में हमारे यहाँ फल है। तो फल है, भाजीपाला है, दाल है, धान्य है, सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। तो ये सब कुछ होने के कारण हमें मांस खाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए भारत के लोग जास्ती शाकाहारी है और परदेशी लोग जास्ती मांसाहारी है, क्योंकि उनके यहाँ खाने पीने को जास्ती कुछ होता नहीं है, हमारे यहाँ खाने पाने को सब होता है। अब हुआ क्या कि जो परदेशी मांसाहारी लोग भारत में आए लूट मार करने के लिए, तो उनकी आदत भी आई। आएगी कि नहीं? मनुष्य आएगा तो उसके साथ आदत भी आएगी। तो उनकी आदत थी मांस खाने की, तो यहां आके भी मांस खाना चालू किया। तो यहां मांस के लिए गाय काटना, मुर्गे मुर्गियां काटना, भैंस काटना, जानवरों को काटना, ये सब शुरू किया। और धीरे 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 इसको वो बढ़ाते गए। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, वैसे वैसे जानवरों का कत्ल ज्यादा हुआ। एक बार क्या हुआ कि ये अंग्रेज जब भारत में आ गए और इनकी सरकार चलना शुरू हो गई, तब इन्होंने एक बार ये तय किया कि भारत देश पर हमको जास्ती समय तक अगर राज्य करना है तो क्या करना चाहिए, गुलाम बनाना है भारत को। तो इन्होंने सोचा कि भारत को अगर जास्ती समय तक गुलाम बनाना है तो तीन काम करने चाहिए। एक तो भारत की आर्थिक जो ताकत है इसको कमजोर कर देना चाहिए। आप ये जरा बताओ, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है वो किसी का गुलाम हो सकता है? नहीं हो सकता ना? लेकिन कोई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो आसानी से गुलामी में जा सकता है। तो भारत पहले आर्थिक रूप से बहुत श्रीमंत देश था, तो जल्दी गुलाम नहीं हो सकता किसी का। तो भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करो, ये अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। और आर्थिक रूप से कमजोर हो तो फिर राजनीतिक रूप से कमजोर करो, और राजनीतिक रूप से जब कमजोर हो जाए तो सांस्कृतिक रूप से कमजोर करो। किसी भी राष्ट्र का आधार जो होता है ना, तीन चीजें होती हैं, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राज्य व्यवस्था। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है तो राज्य व्यवस्था कमजोर होती है, राज्य व्यवस्था कमजोर हो जाए तो संस्कृति और सभ्यता कमजोर होती है, और संस्कृति सभ्यता कमजोर हो जाए
तो धर्म भी कमजोर हो जाता है। हमारे भारत में एक बहुत बड़े आर्थिक तज्ञ हुए, अर्थतज्ञ, उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने एक संस्कृत सूत्र लिखा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है, माने धर्म अगर ताकतवर है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो धर्म कमजोर होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत है धर्म मजबूत होगा। तो अंग्रेजों ने क्या तय किया, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर करो। तो आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे हो सकती है, भारत खेती प्रधान देश है, है ना, मुख्य रूप से खेती है। भारत में इस समय 110 कोटी की लोकसंख्या, 110 कोटी की लोकसंख्या में 77 कोटी श्वेतकरी, 77 कोटी श्वेतकरी, 4 कोटी 50 लाख लोग सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी समझते, केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, ऐसे 4 कोटी 50 लाख है, 77 कोटी श्वेतकरी है, और लगभग 30 कोटी नागरिक भारत में है कारीगर। कारीगर समझते, कोई जूता बनाता है, कोई कापड़ बनाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई लकड़ी की चीजें बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो 30 कोटी नागरिक है कारीगर, 77 कोटी नागरिक है श्वेतकरी, और लगभग 4 से 4.5 कोटी नागरिक है सरकारी कर्मचारी। तो कुल 110 कोटी का यह हिसाब किताब है। तो सबसे जास्ती है श्वेतकरी, श्वेतकरी की मदद से जिंदा रहने वाले हैं कारीगर। आपने देखा है गांव में 16 तरह के कारीगर होते हैं, 16 बलूतेदार गांव में होते हैं, लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, किसी का काम करने वाला। लेकिन ये जिंदा कैसे रहते हैं, श्वेतकरी की मदद से। श्वेतकरी समाज जो उत्पन्न करता है वो समय समय पर उनको देता है, उससे उनका जीवन चलता है। तो मुख्य कौन हुआ, श्वेतकरी। तो श्वेतकरी समाज मुख्य है। तो अंग्रेजों ने क्या तय किया कि भारत के श्वेतकरी समाज को तोड़ो, इसकी आर्थिक शक्ति कम करो। तो आर्थिक शक्ति कम कैसे हो सकती है, तो उन्होंने देखा कि भारत का शेतकरी एक एकड़ खेती में 56 क्विंटल धान उत्पन्न करता है, और ये उत्पन्न करने का आधार गाय का शेण है और गाय का मूत्र है। तो अंग्रेजों ने कहा कि बड़े संख्या पर गाय का कत्ल करना शुरू करो, तो गाय का शेण नहीं मिलेगा, मूत्र भी नहीं मिलेगा, तो खेती कम हो जाएगी, तो आर्थिक शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने इस देश में व्यवस्थित रूप से गाय का कत्ल करने के लिए कत्लखाने बनाना शुरू किया। सबसे पहला कत्लखाना भारत में बना सन 1757 में कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो कलकत्ता का राजा था। उसने पहला कत्लखाना खोला। उस कत्लखाने में रोज 350 गाय कटती थी। धीरे 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 वो कत्लखाना इतना बड़ा हो गया है कि आज उस कत्लखाने में 11,000 गाय रोज कटती। वो कत्लखाना अभी भी चालू है। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला कत्लखाना खोला। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्लखाने खोल दिए। उद्देश्य क्या था, भारत के श्वेतकरी का जो उत्पादन हो रहा है इसे कम कराना, ताकि भारत की आर्थिक शक्ति कम हो। तो जब बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल शुरू हुआ तो गाय का शेण गोमूत्र की कमी आई तो खेती में उत्पन्न कम हो गया। धीरे धीरे उत्पन्न इतना कम हो गया कि जो खेत में एक एकड़ में 56 क्विंटल धान होता था, आज उस एक एकड़ खेत में 20 क्विंटल भी नहीं हो रहा है। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि एक तरफ तो शेतकरी समाज का जो उत्पन्न है ये कम हुआ, दूसरी तरफ अंग्रेजों ने शेतकरी समाज पर टैक्स लगा दिया। टैक्स, कितना टैक्स लगा दिया, जितना वो खेती में उत्पन्न करेंगे उसका 95% टैक्स। इसका अर्थ क्या है, अगर 100 क्विंटल गेहूं आप खेत में उत्पन्न करें तो 95 क्विंटल अंग्रेजों को देना, 5 क्विंटल अपने लिए रखना, इतना टैक्स, 95%।
तो धीरे धीरे क्या हुआ, शेतकरी वर्ग के ऊपर इतना जास्ती टैक्स और धीरे धीरे गाय का बड़े पैमाने पर कत्ल, ये अंग्रेजों ने 150 साल किया इस देश। और जो गांव के शेतकरी टैक्स नहीं देते थे उस गांव को दंड देना, शिक्षा देना। शिक्षा कैसी होती थी, गांव के सभी घरों में अंग्रेज आग लगाते थे, गांव के जो स्त्री पुरुष बच्चे हैं ना उनको एक साथ खड़ा करके गोली से मारते थे, गांव के स्त्री पुरुष बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके तोप के मुंह में बांध के गोले से उड़ा देते थे, ऐसी शिक्षा देते थे। या तो टैक्स भरो नहीं तो शिक्षा दो। तो धीरे धीरे ये अत्याचार 150-200 साल चला, लाखों शेतकरी इसमें मारे गए, उनके ऊपर टैक्स बहुत हो गया, उनकी जो गाय थी जिससे उनको शेन खत मिलता था वो गाय भी कत्ल होने लगी, धीरे धीरे गाय की संख्या कम हो गई, तो पूरा शेतकरी समाज बर्बाद हो गया। एक समय भारत में ऐसा था 1000 साल पहले कि सबसे जास्त्री श्रीमंत जो होता था वो शेतकरी होता था। आज हिंदुस्तान की हालत ऐसी है कि सबसे गरीब अगर कोई है तो वो शेतकरी है, क्योंकि 150-200 साल अंग्रेजों ने शेतकरी के ऊपर अत्याचार किया। अब ये जब अत्याचार हुआ हमारे देश के शेतकरी समाज पर, तो इस अत्याचार को समझने वाले जो बड़े महान क्रांतिवीर थे उनमें से एक थे लाला लाजपत राय, एक थे विपिन चंद्र पाल, एक थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक, एक थे विनायक दामोदर सावरकर, एक थे महात्मा गांधी, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, एक थे भगत सिंह, ऊधम सिंह। ऐसे 632,000 क्रांतिवीरों को ये बात समझ में आई कि अंग्रेज बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, तो इन अंग्रेजों को भारत से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ कोई अभियान चलाना चाहिए, इसलिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। आपको मालूम है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ ज्येष्ठ सुद एकम सन 1857 को, और इसको शुरू करने वाला जो पहला क्रांतिवीर था उसका नाम था मंगल पांडे। वो बहुत जबरदस्त गो भक्त था, उसका परिवार संपूर्ण गो सेवा में लगा हुआ था, वो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करता था, बाद में वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गया। एक दिन उसको पता चला कि अंग्रेज सिपाही जो कारतूस इस्तेमाल करते हैं उसमें गाय की चर्बी लगी होती है, तो उसने वो कारतूस उपयोग करने से मना किया, तो उसके अंग्रेज अधिकारी ने उसको डांट डपट किया, तो उसने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। 29 मार्च 1857 को उसने गोली मारी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी की शिक्षा हुई। लेकिन मंगल पांडे को जैसे ही फांसी की शिक्षा हुई उसके अगले एक महीने में संपूर्ण भारत के गांव गांव में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसको फांसी की शिक्षा हुई 8 अप्रैल 1857 और 10 मई 1857 तक संपूर्ण भारत देश के गांव गांव में अंग्रेजों भगाओ, अंग्रेजों को हटाओ, अंग्रेजी शासन हटाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, अंग्रेजों को भारत से भगाओ, चले जाओ, ऐसे नारे लगाने वाले लाखों लोग गांव गांव में खड़े हो गए। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी जबरदस्त लड़त किया कि बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों से आजाद करा लिया महीने भर के अंदर। आपको मालूम है सबसे पहला राज्य जो अंग्रेजों से आजाद हुआ एक महीने के अंदर वो सतारा, यही महाराष्ट्र, दूसरा झांसी, तीसरा बिठूर, चौथा कोयंबटूर, ऐसे भारत के कई राज्य अंग्रेजों से आजाद हो गए एक ही महीने के अंदर। इतनी जबरदस्त लड़ाई पूरे देश में फैली और वो लड़ाई में लोगों को इतना जोश कहां से आया, जोश आया गाय की चर्बी के बनाए हुए कारतूस इस्तेमाल करने पड़ते हैं इस बात को सुनकर। यही बात को सुनकर मंगल पांडे को गुस्सा आया और उसने फांसी की सजा शिक्षा ग्रहण की लेकिन अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। यही बात सुन सुनकर गांव गांव के लोग खड़े हुए,
तो फिर भारत में क्या हुआ, जगह जगह गांव गांव में आजादी लाने के लिए समिति गठित होने लगी, गोरक्षा के लिए समिति गठित होने लगी, और धीरे धीरे भारत के 7,32,000 गांव में संगठन खड़ा हो गया, और अंग्रेजों को लगा कि अब तो भारत से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सारा भारत एक साथ खड़ा हो गया तो अब कैसे। तो उन अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी साजिश किया। साजिश क्या किया कि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ और गांव गांव में संगठन खड़ा हुआ, तो इस संगठन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध सभी जात के लोग थे। क्यों? सबको आजाद होना था। आजादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी चाहिए थी, जैनों को भी चाहिए, बौद्धों को भी चाहिए, और आजादी से ज्यादा सबके मन में यह था कि हम अंग्रेजों को अगर भगा देंगे तो गाय की हत्या बंद हो जाएगी। गाय सभी के लिए प्रिय है, हिंदू गाय मानते हैं क्योंकि वो आई जैसी है, भगवान की जैसी है, मुसलमान भी गाय को मानते हैं क्योंकि दूध देती है, और मुसलमानों की कई जातियां हैं जो गाय के दूध का धंधा करके अपना जीवन चलाते हैं। राजस्थान का मैंने बहुत प्रवास किया है, राजस्थान में जितने भी मुसलमान हैं सब गाय पालते हैं। सवेरे बंडा तात्या आपको गाय की जातियों का बता रहे थे ना, गिर गाय, कांकरे जी गाय, थरपारकर, साहिवाल, ऐसी ही एक जाति है उसका नाम है राठी। राठी जाति की जितनी गाय है वो सब मुसलमानों के पास है, और मैं उनके घरों में गया हूं और उनको पूछा कि आप ये क्यों पालते हो, तो उन्होंने कहा ये दूध बहुत देती है और उसके दूध में घी बहुत निकलता है और घी बेचकर उनका जीवन चलता है, इसलिए गाय पालते हैं। तो मैंने पूछा आप गाय का मांस खाते हो, उन्होंने कहा हम नहीं खाते, राठी जाति के जो मुसलमान है वो गाय का मांस नहीं खाते, वो कहते हम गाय पालते हैं, मांस कैसे खा सकते। फिर गाय का मांस कौन मुसलमान खाते हैं, जो परदेश से आए हुए मुसलमान कुछ भारत में छूट गए हैं वही खाते हैं। समझ में आया? आपको तो मालूम है मुसलमान सब परदेश से ही आए इस देश में, यहां तो कोई मुसलमान था नहीं। फिर इन परदेशी मुसलमानों ने भारत के लोगों पर अत्याचार किए तो धर्म बदल दिया उन्होंने, तो धर्म बदल के मुसलमान हो गए। तो जो धर्म बदले हुए मुसलमान हैं वो ज्यादा गाय का मांस नहीं खाते, लेकिन जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं वो सब गाय का मांस खाते। भारत में गुजरात में एक जिला है कच्छ, कच्छ जिले में जितने मुसलमान हैं वो सब गाय पालते हैं और उनकी गाय का नाम है गिर गाय। उत्तर प्रदेश में एक एरिया है, एक क्षेत्र है, उसका नाम है मेवात। मेवात क्षेत्र के सब मुसलमान गाय पालते हैं और उनके घरों में मैंने देखा है कोई गाय का मांस नहीं खाता, बकरे का खा लेते हैं, बकरी का खा लेते हैं, गाय का नहीं खाते। वो कहते हैं हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, हमारे तो बाप दादे यहीं सब थे, हिंदुस्तान में हिंदू थे, जबरदस्ती हमको डरा के धमका के मार के पीट के मुसलमान बना लिया तो हम क्या करें, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये ज्यादा नहीं खाते, लेकिन बाहर से आए हुए जो मुसलमान है वो गाय का मांस खाते। बाहर से आए हुए जो ज्यादा मुसलमान है वो सुन्नी है, बहुत गाय का मांस खाते हैं। और ये जो ईसाई है ये तो सभी खाते हैं। तो हमारे देश में ये जो अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए और भारतवासियों ने इन अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, तो उसके उद्देश्य दो थे, एक तो गाय की रक्षा, दूसरा देश को आजादी। इसके लिए संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब थे शामिल। तो अंग्रेजों को खतरा पैदा हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि ये सब मिलके लड़ेंगे तब तो हम रहने वाले नहीं, तो उन्होंने भारत देश में एक चालाकी किया, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो उस चालाकी में उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी कतलखाने चलते थे जहां गाय कटती थी, उन सब कतलखानों में भारत के मुसलमानों की जबरदस्ती भर्ती कर दिया। मुसलमानों को भर्ती करके मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाना शुरू किया और फिर पूरे देश में एक खबर फैला दिया उन्होंने कि गाय तो मुसलमान काटते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, जो हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो हिंदू मुसलमान
जो हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और वो लड़ाई इतनी तेज फैल गई कि भारत के गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और अंग्रेजों की सरकार को मजा आ गया। अंग्रेजों की सरकार ने सोचा कि अब हमको कोई हिलाने वाला नहीं है, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे वो अब एक दूसरे से लड़ रहे। तो इसी लड़ाई में सारा देश जल गया और अंग्रेजों का शासन और 100 साल तक इस देश में चल गया। जो हिंदू मुसलमान आपस में लड़े नहीं होते तो 1857 में ही देश आजाद हो जाता। हमारी आजादी का सबसे बड़ा सूत्र था गाय रक्षा और आजादी राष्ट्र रक्षा। दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े संत थे आर्य समाज के, गो रक्षा के लिए उन्होंने 125,000 कार्यकर्ता तैयार किए, घूम घूम के गांव गांव घूम के, और वो जमाने में वो पैदल जाते थे, ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, कार से नहीं, पैदल जाते एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा। 35 साल उन्होंने पैदल प्रवास किया और 35 साल में 125,000 कार्यकर्ता तैयार किए गो रक्षा के। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से कुछ नाम है भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब उन्हीं के तैयार किए हुए कार्यकर्ता। तो इन सब कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संग्राम किया और संग्राम करके 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। अब आजादी मिली तो महात्मा गांधी ने कहा कि आजादी होते ही सबसे पहला काम इस देश में होगा तो गो रक्षा का कानून बनेगा, गाय कत्ल करने के जितने केंद्र चलते हैं ये सब बंद होंगे, ये गांधी जी ने वायदा किया। लेकिन गांधी जी ने जिसको कुर्सी पर बिठाया, उनका जो चोला जवाहरलाल नेहरू, इसने इस वायदे को कभी भी पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? जैसे ही पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, पंत प्रधान बन गए, तो संसद में एक बार बहस हुई कि गोरक्षा होनी चाहिए क्योंकि हमने आजादी के समय संकल्प लिया। तो सभी बहस में जितने भी खासदार थे ना सांसद, वो सभी गोरक्षा के समर्थन में, और संसद में जब बहस हुई, वोट पड़ने का समय आया, तो पंडित नेहरू ने कहा कि जो गोरक्षा का कानून पास हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इस जमाने में क्या था कि नेहरू जी जो कहे वही कांग्रेस पार्टी मानती थी। कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी का विरोध करने वाले जो दो बड़े नेता थे वो तब तक स्वर्गवासी हो चुके थे। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो स्वर्गवासी हो गए 1950 में, और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत छोड़कर ही चले गए। यही दो नेता नेहरू जी का विरोध करने की हिम्मत करते थे, बाकी कोई विरोध नहीं करता, ये दोनों ही नहीं थे। तो जो नेहरू जी करते थे कहते थे वही मानते थे, तो ये कानून नहीं बना और तब से लेकर गाय का कत्ल आज तक चालू है। अंग्रेजों ने जो कत्ल खाने खोले भारत देश में उनकी संख्या थी 350। अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में कत्ल खानों की संख्या हो गई है 36,000। मैंने जितने गाय का कत्ल अंग्रेजों ने किया उससे भी ज्यादा गाय का कत्ल भारत के काले अंग्रेजों ने किया। काले अंग्रेज माने हिंदुस्तानी जो सरकार चलाते। तो आजादी के पिछले 60 साल में जितनी भी सरकारें भारत में आई सबने गाय का कत्ल करने के लिए ही काम किया, कोई ने भी गोरक्षा के लिए काम नहीं किया। एक सरकार थी जो कह रही थी कि हम करेंगे लेकिन उसको मौका नहीं मिला, श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार। आपको मालूम है पंत प्रधान बनने के लगभग 11-12 महीने के बाद ही उनकी हत्या हो गई, तो उनको ज्यादा समय नहीं मिला। एक और ऐसे ही पंत प्रधान आए थे मुरारजी देसाई, लेकिन उनको भी समय नहीं मिला, 22-23 महीने में उनकी भी सरकार चली। तो बाकी कोई पंत प्रधान ऐसा आया नहीं जिसने गाय बचाने के लिए कुछ कोशिश किया। संसद में 4 बार प्रस्ताव आया, हर बार वो पारित नहीं हुआ। और अभी थोड़े दिन पहले प्रस्ताव आया था जब अटल बिहारी पंत प्रधान थे तो उसका विरोध ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी का नाम सुना है, तृणमूल कांग्रेस नाम का उसका पक्ष है। तो उसने लोकसभा में कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, आप कैसे गोरक्षा करा सकते। और इसने कहा तो एक और नेता ने कहा चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम,
और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इन्हीं दोनों से टिकी हुई थी, चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी। संसद में ऐसा हर बार कोशिश हुई लेकिन प्रस्ताव आज तक नहीं हुआ। तो परिणाम ये है कि अंग्रेजों के समय में 350 कसम खाने थे, अब 36,000 है। अंग्रेजों के समय में रोज 10-11,000 गाय कटती थी, आज हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में गाय रोज कटती, एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाय कटती। और धीरे धीरे गोवंश अभी खत्म होता जा रहा, गाय की संख्या कम होती जा रही। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में जितने मनुष्य थे उतनी गाय थी, समझ रहे, जितने लोगों की लोक संख्या उतनी गाय की संख्या थी। अब इस देश में क्या हुआ है, गाय की संख्या बहुत कम हो गई है, लोक संख्या बहुत जास्ती हो गई। लोक संख्या 110 कोटी है, गाय की संख्या मुश्किल से 18-20 कोटी। तो गाय तेजी से कम हो रही है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि भारत के बारे में ये हजारों साल से सत्य है कि जैसे जैसे गाय कम होगी वैसे वैसे भारत का नाश होगा, आर्थिक रूप से कमजोर बनेगा, राजनीतिक रूप से कमजोर होगा, सांस्कृतिक रूप से कमजोर होगा। तो भारत को ऊंचा अगर उठाना है, समृद्धशाली बनाना है, श्रीमंत बनाना है, तो फिर से गाय को बचाने का अभियान करना होगा। जो अभियान कभी मंगल पांडे ने शुरू किया, जो अभियान लाला लाजपत राय ने किया, भगत सिंह ऊधम सिंह ने किया, जो महात्मा गांधी ने किया, वैसे ही गोरक्षा का अभियान अब सन 2006 में फिर शुरू करने की जरूरत है। आप बोलेंगे इस गोरक्षा अभियान में क्या करना है। इस गोरक्षा अभियान में दो काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि जो गाय कट रही है वो कटना बंद हो, इसके लिए कानून बने, ये कोशिश करनी। तो इसके लिए कानून बनाने का काम कौन करता है, राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार माने मुख्यमंत्री। तो भारत में 30 राज्य हैं, तो 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर इतना जन दबाव डालना है, लोगों का दबाव डालना है कि वो गोरक्षा का कानून बनाए, ठीक है, एक काम। दूसरा काम ये करना है कि गाय कटती कब है, जब कोई उसे काटने के लिए बेचता है, तभी ना। और गाय बेचता कौन है, शेतकड़ी ना। तो अगर गाय बेचना बंद हो जाए, भारत का शेतकड़ी गाय को बेचना बंद कर दे, तो गाय कटना बंद हो जाएगी। हमारे यहां गाय कटती है, मनुष्य कटते हैं क्या, क्यों, घर में हमारे यहां मनुष्यों को बेचा नहीं जाता, अगर बेचना शुरू करे तो वो भी कटने लगेंगे, है ना। और बहुत सारे मनुष्य तो बेकार के हैं, काम के ही नहीं, 80 साल के, 90 साल के, 95 साल के, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ काम के नहीं है, तो इनको बेचो, काटने दो, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि मनुष्यों से हमें प्रेम है, गाय से नहीं है। तो गाय को तो बेच देते हैं, कसाई खरीद लेता है, कटवा देता है। तो शेतकड़ी गाय पालते हैं और शेतकड़ी ही गाय को बेचते हैं। तो हमें एक ऐसा अभियान चलाना है कि शेतकड़ी गाय बेचना बंद कर दे, और अगर शेतकड़ी ने गाय बेचना बंद किया तो गाय कटना बंद। तो एक अभियान तो चलाना है कि सरकार कानून बनाए, दूसरा अभियान चलाना है कि शेतकड़ी गाय को बेचना बंद करे। तो सरकार कानून बनाए इसके लिए क्या करना, इसके लिए गांव गांव से, शहर शहर से, नगर नगर से, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मुख्यमंत्रियों को खत लिखना, खत लिखवाना राज्यपाल को, मुख्यमंत्री, और उसमें एक ही मांगणी करना कि गोरक्षा के लिए कानून बनाओ, और कानून बनाया है तो सख्ती से पालन करो। जब गांव गांव से ये मांग शुरू हो जाएगी और फिर लोग ये कहेंगे कि अगर तुमने गोरक्षा का कानून नहीं बनाया तो हम वोट नहीं देंगे, नोट भी नहीं देंगे, नोट माने टैक्स नहीं देंगे और वोट नहीं देंगे, फिर देखो तुम क्या करो। तो कुछ लोगों को डर लगता है, वो कहते हैं पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। आप उसकी चिंता मत करो, जेल में जगह ही नहीं है, डालेंगे कहां। भारत में बहुत सारी जेल में मैं जाके आया, कैसे जाके आया, मेरे जेल में बहुत उपन्यास होते हैं, व्याख्यान होते हैं, जेलों में मैं जाता हूं।
और जो कैदी है ना, इनको एक ही बात बताता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे हो, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो संसद में बैठे, यही बताने जाता हूँ। तो उनको ये भी समझाता हूँ कि तुम सब इतने अच्छे हो कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, किसी ने एक मर्डर किया है तुमने, किसी ने दो किया है, और वो भी गुस्से में आके किया है, अपना विवेक खो दिया, गुस्सा आ गया तो कर दिया, किसी का जेब काट दिया, किसी को मर्डर कर दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन ये वो संसद में बैठे हैं 850, ये तो सब समझ बूझ कर करोड़ों करोड़ों का मर्डर करवा रहे, तुमने तो अनजाने में किया, वो तो जानबूझ के करा रहे, तो तुम खतरनाक या ये खतरनाक। तो मैं उनको ये समझाने जाता हूं कि अगली बार बाहर निकलो तो मर्डर किसी ऐसे का करना जो संसद में बैठे। गांव में रहने वाले सीधे साधे लोगों का मर्डर करने से क्या लाभ, ये जो संसद में खतरनाक लोग बैठे हैं उनका मर्डर करो ना, तो भारत माता का पाप का बोझ कुछ हल्का तो होगा। ये व्याख्यान देने के लिए मैं जेलों में जाता हूं, तो जेलों में मैंने क्या देखा है, जगह बहुत कम है, कैदी बहुत जास्ती, सभी जेल का ये हाल है। एक जेल में कल्पना करो 1000 कैदी रह सकते हैं, तो वहां 3000 है, जहां 3000 रह सकते हैं वहां 10000, तो जेल में जगह नहीं है, इसलिए आप में से किसी को जेल होने की ताकत ही नहीं, सरकार को भेज ही नहीं सकती, रखेंगे कहां, इसलिए ये डरना बंद कर दो कि जेल भेजेंगे। हमको भारत के गांव गांव में लोगों को ये समझाना है कि सरकार पर दबाव डालो कानून बनाने के लिए। कानून कौन सा, गाय रक्षा का। भारत में 30 राज्य हैं, हर राज्य में ऐसा कानून बने कि गाय के कत्ल करने वाले कत्लखाने बंद हो। कुछ राज्य हैं जिन्होंने अभी ये कानून बनाए हैं, जैसे एक राज्य है गुजरात, उसने बहुत अच्छा कानून बनाया। एक राज्य है उसका नाम है राजस्थान, उसने भी कानून बनाया। एक राज्य मध्य प्रदेश, उसने भी बनाया है। छत्तीसगढ़ नाम का एक राज्य है, उन्होंने भी बनाया है। तो अगर गुजरात में बन सकता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, तो सभी राज्यों में बन सकता है। तो हमें क्या करना है, गांव गांव के नागरिकों को इस बात के लिए उत्तेजित करना कि भारत के मुख्यमंत्रियों पर दबाव डालो और कानून बनवाओ। कानून बनाने के लिए जैसे महाराष्ट्र राज्य के 10-20 लाख गांव से 10-20 लाख खत मुख्यमंत्री को चले जाए, कानून बन जाए। क्यों, मुख्यमंत्री को डर हो जाएगा कि अगर कानून नहीं बनाया तो 10 लाख वोट गया, ये नहीं मिलेगा। और हर पुढ़ारी वोट से डरता है, बाकी किसी चीज से नहीं डरता। वोट अगर कम हुआ तो सब पुढ़ारी डरते। तो हमें ये अभियान चलाना है गांव गांव में, शिक्षण देना है, जागृति पैदा करनी है। सभी गांव वाले नागरिक सरकार को खत लिखें 50 पैसे का। और दूसरा कि जो शेतकरी गाय पालते हैं उनको बोलना है कि गाय को बेचो मत, घर में रखो। तो शेतकरी क्या कहते हैं मैं सुना था, वो ये कहते हैं कि गाय बूढ़ी हो गई तो क्या करें। तो मैं कहता हूं हमारे आई वड़िल भी बूढ़े हो गए तो क्या करें। अगर गाय बूढ़ी हो गई और इसलिए बेच रहे हो तो आपके आई वड़िल भी तो बूढ़े हो गए, उनको भी बेचो, कटने दो फिर। अगर आपके आई वड़िल को नहीं बेच सकते तो गाय को कैसे बेच रहे, बूढ़ी हो गई तो है गई, हम भी बूढ़े होंगे एक दिन। गाय बूढ़ी हो गई तो क्या, बूढ़ी हो गई जब उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार करेंगे जैसे हमारे आई वड़िल का करते, यही तो होता है ना। तो गाय बूढ़ी हो गई तो बेचने का क्यों, घर में रखो उसको। तो शेतकरी ये कहते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, बूढ़ी हो गई तो किसी काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि दूध नहीं देती, ये उनका तर्क है, दूध नहीं देती, घास चारा खाती है। तो हमें शेतकरी समाज को यह समझाना है कि भले गाय दूध नहीं देती लेकिन मूत्र तो देती है, सेन तो देती है, और गाय के मूत्र से और गाय के सेन से 48 किस्म की औषधियां बनती है, और उन औषधियों को बाजार में बेचे तो हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम हो सकती है हर साल। एक गाय की अधिकतम आयुष्य कितनी है, 20 वर्ष,
और एक वर्ष में वो 2.25 लाख रुपए की इनकम देती है तो कुल 40 लाख रुपए की इनकम हो गई उसके जीवन में गाय के शेण और मूत्र से। दूध वाली इनकम तो जोड़ा ही नहीं मैंने। हाँ, ये कैसे हो सकती है? ये ऐसे हो सकती है कि गाय का जो मूत्र है ना उससे दवा बनती है औषधि। औषधि बनाना बहुत आसान है। गाय के मूत्र से अस्थमा की औषधि बनती है, अस्थमा दमा। गाय के मूत्र से ट्यूबरकुलोसिस की औषधि बनती है। गाय के मूत्र से बवासीर मूणव्याप भगंदर की औषधि बनती है। गाय के मूत्र से कैंसर की औषधि बनती है। गाय के मूत्र से डायबिटीज मधुमेह उसकी औषधि बनती है। गाय के मूत्र से एंजियोप्लास्टी एक ऑपरेशन होता है हृदय घात में, तो हृदय घात के लिए औषधि बनती है। ऐसे 48 रोगों की औषधि गोमूत्र से बनती है और कोई भी शेतकरी बना सकता है, बना के बाजार में बेच सकता है और बेचकर पैसा कमा सकता है। तो गाय के दूध से जितनी इनकम नहीं होती, आमदनी नहीं होती, उससे जास्ती मूत्र से हो सकती। मेरे अपने गांव में मैंने ये शुरू किया था अभियान। आज स्थिति यह है मेरे गांव में कि गाय का दूध तो बिकता है 8 रुपए लीटर और गाय का मूत्र बिकता है 10 रुपए लीटर। दूध से जास्ती कीमती मूत्र है। तो गाय मूत्र से औषधि बनाना हम अगर हम शेतकरी समाज को बताएं तो वो सब औषधि बनाएंगे। उन औषधियों का उपयोग हमारे जो समाज में फैले हुए रोग हैं उनकी चिकित्सा में होगा, लोग उससे स्वस्थ हो जाएंगे, शेतकरी समाज को आमदनी होगी। बात समझ में? अब प्रश्न ये उठता है कि ये गाय के मूत्र से जो औषधि बनती है उसको सीखें कैसे बनाना। तो औषधि बनाने की ट्रेनिंग किसी को भी दी जा सकती है, प्रशिक्षण आप चाहो तो आपको भी मिल सकता है। बहुत सरल है, 8-10 दिन में अगर आप चाहो तो सीख सकते हो औषधि बनाना। यहीं पे हो सकता है, आलंदी में ही हो सकता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपके मन में ऐसी इच्छा पैदा हो जाए कि हमको भी गोमूत्र से औषधि बनाने का प्रशिक्षण लेना है तो आप बताना, तो आपको यहाँ प्रशिक्षण दे देंगे, आप सीख लेना। और सीखने के बाद क्या करना, गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाना। परिणाम क्या होगा, गांव-गांव में गोमूत्र की औषधि का उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो बिक्री होगी, बिक्री होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शेतकरी को समझ में आएगा कि गाय के दूध से जास्ती कीमती है मूत्र। मैंने गोमूत्र से कई औषधि बनाना सीखा, उसमें से एक औषधि आंख के काम में आती है। उसमें गाय का मूत्र, सफेद प्याज का रस, शहद, नींबू का रस और आल का रस, 5 चीजें मिलाते हैं। और वो औषधि जब तैयार होती है ना तो आंख में डाले तो आंख के सब रोग ठीक करती है, जैसे मोतियाबिंद, कैटरेक्ट आंख में हो जाता है ना, मोतियाबिंद संपूर्ण रूप से समाप्त होता है इस औषधि। आंख में एक रोग होता है काला पानी, ग्लूकोमा, वो भी संपूर्ण रीति से ठीक होता है। आंख में एक रोग होता है कंजक्टिवाइटिस, लाल पड़ जाती है आंखें, एकदम अंगारे जैसी दहकती है, वो भी इसी औषधि से रोग ठीक होता है। एक रोग होता है दिखाई कम देना, चश्मा चढ़ना, ये सभी आंखों के रोग उस औषधि से ठीक होते हैं। और ये औषधि कोई भी बना सकता है, 10 मिनट में सीख लेते हैं। बहुत सरल है। सरल कितनी है, 1 चम्मच ले लो गाय का मूत्र, 1 चम्मच पांडरे कांदे का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद अदरक का रस, आल का रस, और 4-5 चम्मच उसमें मिला दो मध शहद। बस तैयार हो गया, उसको घोल के आंख में डाल दो। ये औषधि अगर गांव-गांव में बने, बाजार में बिके, तो इसकी कीमत 500 रुपए लीटर है। 1 लीटर औषधि 500 रुपए की, 1 लीटर दूध गाय का 8 रुपए, और औषधि बन गई 500 रुपए लीटर। और इस औषधि को दुनिया में एक्सपोर्ट करें तो हर देश में इसकी मांग है, क्योंकि आंखों के रोगी भारत देश में 25 कोटी है। 25 कोटी दर्दियों को आंखों का रोग है,
तो गांव गांव में ये औषधि बना के हम बताना शुरू करें, लोगों को सिखाना शुरू करें, लोग इसको बना के बेचना शुरू करें, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होती। तो गाय भले बूढ़ी हो गई, दूध नहीं देती है, मूत्र दे रही है, उसके मूत्र से औषधि बना। ऐसी गोमूत्र से औषधि बनती है बालों के लिए, बाल झड़ गए हैं, सफेद हो गए हैं, तो गाय के मूत्र में थोड़ा दही मिलाओ और मालिश करो तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। ऐसे किसी को कब्जियत हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, संडा साफ नहीं होती है, उसको बोलो सवेरे आधा कप गोमूत्र पियो, तीन चार दिन में एकदम पेट साफ होने लगेगा। किसी को मूढ़ व्याध हो गया, बवासीर हो गया, भगंदर हो गया, उसको बोलो सवेरे आधा कप गोमूत्र पियो, रात को गाय के दूध में गाय का तूप मिला के पियो, तो सवा डेढ़ महीने में सब मूढ़ व्याध, बवासीर, भगंदर ठीक हो गए। किसी को कैंसर है, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, उसको हड़द होता है ना, हड़द, ताजा हड़द, ताजा हड़द जो खेत से आता है, उसको पीसना तो चटनी बनेगा, चटनी में से रस निकाल, तो हड़द का रस और एक तास बाद गोमूत्र पियो, तो गले का कैंसर, पेट का कैंसर ठीक होता है। मैंने एक सूची बनाई है, ऐसा कोई रोग नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं होता, एक भी रोग ऐसा नहीं है दुनिया में, माहिती नहीं है हमको। तो अगर ये माहिती देना हम शुरू करें, गांव 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 गांव, सोचो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। तो गाय का महत्व जो है बढ़ेगा अगर गोमूत्र से औषधि बनेगी तो। और दूसरा, गाय का जो शेण, गाय के शेण से खत बनाए और वो खत खेत में उपयोग करें। अभी रासायनिक खत वापरते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, बहुत महंगा। आज से 15 साल पहले यूरिया का एक पैकेट आता था 70 रुपए में, आज यूरिया का एक पैकेट आता है 270 रुपए। आज से 15 साल पहले डीएपी आता था 4 रुपए किलो, अब डीएपी आता है 22 रुपए किलो। आज से 15 साल पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट आता था 2.5-3 रुपए किलो, अब सिंगल सुपर फॉस्फेट है 20-22 रुपए किलो। खेती में काम आने के लिए डीजल वापरते हैं, डीजल आता था 3-3.5 रुपए लीटर, अब डीजल है 40 रुपए लीटर। तो शेतकरी समाज को अगर हम ये समझाना शुरू कर दें कि आप यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जो वापर रहे हो, ये तो महंगा 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 होता जा रहा है, और इसके महंगे होने से खेती का लागत खर्च बढ़ रहा है, और लागत खर्च जब बढ़ता है तो आमदनी कम होती है, और शेतकरी वर्ग की आमदनी कम होगी तो वो गरीब होगा, और गरीब होगा तो आत्महत्या करेगा। इसलिए दर वर्षी महाराष्ट्र में हजारों शेतकरी आत्महत्या करते हैं। आपको तो माहिती है, पिछले साल 5,800 शेतकरी आत्महत्या किए महाराष्ट्र, संपूर्ण भारत में 56,000 शेतकरियों ने आत्महत्या की। तो अगर शेतकरी समाज की आत्महत्या रोकनी है तो उनको एक ही उपाय है कि वो खेती में गाय का शेण वापरना शुरू करें, तो यूरिया डीएपी का खर्चा उनका शून्य हो जाए, तो लागत खर्च शून्य हो जाए, तो खेती में लाभ ज्यादा हो। अब बहुत सारे शेतकरी मुझे ये सवाल उठाते हैं, शायद आप कहोगे तो आपको भी उठाएंगे, कि अगर हम यूरिया डीएपी नहीं वापरेंगे तो उत्पन्न कैसे आएगा। उनको ऐसा मन में भ्रम हो गया है, मानसिक स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि खेती में जास्ती उत्पन्न लेना है तो यूरिया डीएपी ही लगता है, ऐसा उनको मन में है। पहले मेरे मन में भी था, फिर मैंने एक बार क्या किया कि यूरिया डीएपी में क्या क्या केमिकल होते हैं उसका परीक्षण किया, तो पता चला कि यूरिया में 3 केमिकल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, डीएपी में एक ही है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में एक है, लेकिन गाय के शेण में 17 केमिकल है। गाय के शेण में यूरिया भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटाश भी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, कोबाल्ट है, ऐसे 17 केमिकल है। तो गाय के शेण की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो यूरिया से जास्ती। जब मैंने इसका परीक्षण कराया तो दिल्ली की एक प्रयोगशाला में कराया था, फिर मैंने मेरे क्षेत्र में वापरना शुरू किया तो मैंने देखा कि यूरिया डीएपी से जितना उत्पन्न आता है उससे जास्ती दुप्पट उत्पन्न गाय के शेण से आता है।
तो शेतकरी को बस ये बताने की जरूरत है कि आप गाय के शेण से उत्पन्न करना शुरू करो शेत में। अब वो पूछेंगे कि गाय का शेण कैसे वापरना शेत में, तो उसका एक फॉर्मूला बनाया मैं, वो आपको मैं बताता हूं, पर आप उसे याद रखो। जब भी किसी गांव में आप जाओ, आपका कीर्तन है, भजन है, कोई भी कार्यक्रम है, तो शेतकरी समाज को यह फॉर्मूला जरूर बताओ कि शेती में जास्ती उत्पन्न लेना है, खर्चा कम लेना है, करना है, तो उसका फॉर्मूला यह है कि एक एकड़ क्षेत्र में 10 किलो गाय का शेण, 10 लीटर गाय का मूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो उड़द की दाल का आटा, चार चीजें, 10 किलो गाय का शेण, 10 लीटर गाय का मूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो उड़द की दाल का आटा, ये चारों वस्तुओं को मिलाना, मिला के प्लास्टिक के ड्रम में रखना, 20 दिवस पर्यंत रखना। 20 दिवस तक क्या करना, सवेरे शाम जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है ना, तो डंडे से इसको मिलाना, गाय का शेण, गाय का मूत्र, गुड़ और उड़द की दाल का आटा, 20 दिवस में ये तैयार हो जाता है। फिर इसमें क्या करना, 100-125 लीटर पानी मिलाना, और पानी मिलाकर जो घोल आ गया, अब इसको शेत की माटी पर स्प्रे करना है, छिड़कना। कैसे, अगर शेत खाली है, उसमें कोई पीत नहीं है, तो वो जो स्प्रे मशीन आती है ना, उसमें भर के स्प्रे कर सकते। और अगर शेत की माटी में कोई पीक है और पौधे बड़े हैं, तो जब आप पानी लगाते हो ना, पानी, तो पानी के साथ इसको मिला देगा, तो शेत में पूरा फैल जाए। पानी के साथ कैसे मिला सकते हैं, पानी लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ रास्ता है, नाली, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ड्रम रख दो, इसमें ये घोल भर दो, नीचे एक नल लगा दो, तो जब पानी जाएगा नल खोल दो तो टपक 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 उसमें मिल जाएगा, खेत में भी चला गया। है सरल पद्धति, कोई भी कर सकता है। तो फॉर्मूला अपने को ये बताना, पीक कोई भी है, तुअर का दाल है, मूंग का दाल है, उड़द का दाल है, या तो गेहूं का पीक है, चावल का पीक है, भाजीपाला है, कुछ भी है, फॉर्मूला एक ही है, 10 किलो गाय का शेण, 10 लीटर गाय का मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो उड़द की दाल का आटा। अब कोई ये पूछेगा कि इसको कम जास्ती कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर इसको जास्ती करना है तो 10 किलो शेण की जगह 30 किलो तक शेण कर सकते हैं, और मूत्र 15 लीटर तक कर सकते हैं, 15 से 20 लीटर, और गुड़ 2 किलो तक कर सकते हैं, और उड़द की दाल का आटा 2-2.5 किलो तक, इससे जास्ती नहीं कर सकते, समझ गए। अगर इससे जास्ती किया तो तकलीफ आ जाएगी पीक में। तो 10 किलो शेण से लेकर 30 किलो तक शेण, 10 लीटर मूत्र से लेकर 20 लीटर तक मूत्र, 1-1.5 किलो तक गुड़ और 2-2.5 किलो तक उड़द की दाल का आटा, ये चारों मिलाना, प्लास्टिक के ड्रम में रखना, 20 दिवस पर्यंत उसको सवेरे शाम डंडे से घुमाना, 20 दिवस बाद उसमें फिर पानी मिलाना। पानी कितना मिलाना, जितना शेण है उसका 10 पट पानी। अगर शेण 30 किलो है तो 300 लीटर पानी, 10 किलो शेण है तो 100 लीटर पानी, 20 किलो शेण है तो 200 लीटर पानी। अब ये पानी मिला घोल है, इसको खेती में डालना है, इसी से पीक जबरदस्त होता है। गेहूं का, चावल का, ज्वारी का, तुअर का, मूंग का, उड़द का, कोई भी पीक है, कापूस का, वो भी सब, सभी पीक के लिए एक ही फॉर्मूला। अब एक और, कि जब ये हम पीक में लगाएंगे तो कितने दिवस में इसको वापस कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है कि हर 20 दिवस में आप इसको फिर से कर सकते हैं। आज अगर आपने डाला तो 20 दिवस नंतर फिर डाल सकते, का पीक है तो 6 बार डाल सकते, तो हर 20 दिवस पर ये हम डाल सकते, और ये डालने से जबरदस्त उत्पन्न आता है खेती। एक एकड़ क्षेत्र में 33 क्विंटल तक गेहूं आ रहा है, एक एकड़ क्षेत्र में 70-80 टन तक ऊस आ रहा है, इतना जबरदस्त उत्पन्न। एक एकड़ क्षेत्र में 30-32 क्विंटल चावल आ रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो भाजीपाला करता 25 एकड़ क्षेत्र में, रोज का उसका 5000 किलो भाजीपाला टूटता है,
रोज का 5,000 किलो 5 टन और 10 रुपए किलो का भी भाजीपाला देखे तो 50,000 रुपए रोज की आमदनी जो किसी धंधे में नहीं है वो गाय के शेण से गोमूत्र से होती है और खेती में होती है। इसलिए शेतकरी को गरीब होने की जरूरत नहीं है। शेतकरी अगर गरीब है तो वो अपनी गलती से है, यूरिया डीएपी डालने के कारण गरीब है। अगर वो गाय का शेण गोमूत्र वापरना शुरू करेगा तो सब शेतकरी श्रीमंत हो जाएंगे। तो ये हमें गांव गांव सिखाना। इस पद्धति से जो भी शेतकरी खेती करेंगे उनको 4 लाभ होंगे। पहला लाभ, खर्चा कम होगा, यूरिया नहीं डालना, डीएपी नहीं डालना, खर्चा कम। दूसरा, उनके पीक में जंतु आना बंद हो जाएगा तो जंतुनाशक दवा की जरूरत नहीं। तीसरा, जो खेत में उत्पन्न होगा वो अन्न और धान्य इतना शुद्ध होगा कि उसको खाएंगे तो शरीर में ताकत जास्ती आएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी, रोग कम हो जाएंगे। रोग कम होंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो दवाओं पर जो फालतू खर्चा हो रहा है वो बचेगा। और चौथा सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जब आप गाय का शेण और गोमूत्र डालेंगे गुड़ के साथ मिलाकर, तो माटी में गांडुल बहुत उत्पन्न हो जाएंगे और गांडुल की संख्या बढ़ेगी तो गांडुल क्या करते हैं, ऊपर नीचे घूमते हैं माटी में, तो वो माटी को नरम बना देते हैं। तो माटी अगर नरम है तो पाउस का जब पानी आएगा तो संपूर्ण पानी माटी में नीचे उतर जाएगा, तो आपके खेत में से एक बूंद पानी भी बेकार नहीं जाएगा, वो संपूर्ण पानी माटी में नीचे उतर गया। तो गांडुल की संख्या बढ़ेगी तो पाउस का पानी जास्ती मिट्टी में आएगा, तो पानी जास्ती मिट्टी में आएगा तो पानी का तल ऊपर बढ़ेगा, वाटर रिचार्जिंग होगा तो पानी का संकट कम हो जाएगा। तो 4 लाभ इसके होने वाले। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ये पद्धति से खेती शुरू किया और जंतु आ गया, तो वैसे तो आएगा नहीं लेकिन कभी आ सकता है। कैसे कि आपने तो किया अपने खेत में लेकिन आपका पड़ोसी शेतकरी यूरिया डीएपी वापरता है तो उसके खेत में तो जंतु आएगा नक्की पक्का, तो आपके खेत में भी घुस सकता है क्योंकि जंतु तो बाउंड्री देखता नहीं ना, उसको कुछ माहिती नहीं है आपका खेत है कि पड़ोसी का, तो वो घुस गया तब क्या करें। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला और मैं बताता हूं। अगर कोई भी पीक में जंतु आ गया तो उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि 10 लीटर गाय का मूत्र लेना, 2 किलो कड़ू लिमका, वो निम्बोली होता है, उसको चटनी बना के इसमें मिलाना। फिर वो बेशरम का पान देगा, बेशरम सभी गांवों में फोकट में आता है इसलिए बेशरम कहते हैं उसको, कभी बिहारन नहीं डालते फिर भी आता है, कभी पानी नहीं देते फिर भी आता है, और उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम सब गांवों में बेशरम, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां ये नहीं है। मैंने इस बेशरम पर बड़ा रिसर्च किया है, इसका स्वभाव भारत के पुढ़ारियों जैसा है। जैसे भारत के पुढ़ारी वैसा ये बेशरम, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बेशरम पुढ़ारियों से भी अच्छा है। वो इसलिए कि पुढ़ारी तो किसी भी काम के नहीं है, ये बेशरम फिर भी कुछ काम में आता है। ये क्या काम में आता है, 2 किलो बेशरम के पान तोड़ो, उसकी चटनी बना के उस गाय मूत्र में मिला दो जिसमें 2 किलो कड़ू लिम की निम्बोली मिलाइए, फिर 1/2 किलो तंबाकू ले लो, तंबाकू वो भी इसमें डाल दो, और फिर ऐसे कोई भी पान जो गांव में है जिनको गाय नहीं खाती, जैसे नाम बताओ, रुई का झाड़, रुई के झाड़ का पान है ना, रुई का पान उसको गाय नहीं खाती, धतूरे का पान उसको गाय नहीं खाती, बेलपत्री का पान उसको गाय नहीं खाती, सीताफल रामफल का पान उसको गाय नहीं खाती, तो जिस पान को गाय नहीं खाती वो भी तोड़ लो, उसकी भी चटनी बनाओ 2-3 किलो और इसमें मिला दो। अब ये सब जब मिल गया तो इसको गरम करो, ताम्र पात्र में गरम करें तो बहुत अच्छा, और गरम करके फिर ठंडा करो,
फिर ठंडा करके इसमें 100 से 150 लीटर पानी मिलाओ और ये जो घोल तैयार हुआ इसको स्प्रे मशीन में भर के स्प्रे कर दो तो सब जंतु भाग जाए, ठोकट का जंतुनाशक। तो ये अगर हम शेतकरी समाज को बताएं कि देखो जंतु भगाने का है तो ये करो और खेती में उत्पन्न जास्ती लेने का है तो गाय के शेन से खेती करो, तो ये दो पद्धति का क्या परिणाम निकलेगा मैं आपको बताता हूं। भारत के शेतकरी दर वर्षी 2,70,00,000, आप इसको ध्यान से सुनना, भारत देश के जो शेतकरी है ना 77 कोटी, ये प्रतिवर्ष यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन, बेंजीन एचा क्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, जंतुनाशक और रासायनिक खाद, ये कुल जो खरीदते हैं ना वो खर्चा कितना है, 2,70,000 कोटी। और मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, 2,70,000 कोटी रुपए का अगर सोना खरीद लें तो गांव गांव की सड़क सोने से बन सकती, इतना खर्चा शेतकरी यूरिया डीएपी में बर्बाद कर देते। तो अगर शेतकरी समाज को हमने ये बताया गाय का शेन वापरो, गोमूत्र वापरो, तो ये जो खर्चा हो रहा है 2,70,000 कोटी, ये खर्चा बचेगा, ये खर्चा बचेगा तो शेतकरी समाज की आमदनी बढ़ेगी। आपके घर की आमदनी बढ़ानी है तो इसका सबसे सरल उपाय है खर्चा कम कर दो, आमदनी बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों बराबर है, तो आप पैसा बचाना शुरू कर दो, आमदनी बढ़ जाएगी। तो शेतकरी समाज की अगर आमदनी बढ़ी तो वो श्रीमंत होगा, श्रीमंत होगा तो आत्महत्या करना बंद कर दे, ये बहुत बड़ी क्रांति इसमें से होने वाली है। और दूसरी क्रांति क्या होगी, जब उसको गाय का शेन गोमूत्र का उपयोग पता चल जाएगा तो गाय बेचना बंद कर देगा, और गाय बिकना बंद हो गई तो कसाई के हाथ में नहीं जाएगी, तो कत्ल खाने सब अपने आप बंद हो जाए। तो ये दो बड़े काम होंगे। फिर तीसरा एक काम कि अगर शेतकरी समाज को हम ये समझाएं कि आपको अगर कोई रोग है, बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए गोमूत्र उपयोग करो, डॉक्टर के चक्कर में क्यों फंसते, गोमूत्र की औषधि बनाओ उपयोग करो। और गोमूत्र की सबसे अच्छी औषधि है अंदर का कोई भी रोग है शरीर के अंदर, जैसे पेट खराब है, संधिवात है, गुड़गे दुखते हैं, कमर दुखती है, ये सब जितने रोग हैं, डायरिया है, डिसेंट्री है, पैरालिसिस हो गया है, सेरिब्रल पॉल्सी हो गया है, डायबिटीज हो गया, ये सब अंदर के रोग है, तो अंदर के रोग की सबसे अच्छी औषधि है रोज आधा कप गोमूत्र पीना खाली पेट। और बाहर के रोग जितने हैं, बाहर के रोग क्या है, चर्म रोग, खाज हो गई, खुजली हो गई, दाद हो गया, ये सब है ना, ये बाहर के रोग, तो बाहर के रोग की सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र की मालिश करना, अंदर के रोग की औषधि गोमूत्र पीना, बाहर के रोग की औषधि मालिश करना। और मालिश करते समय गाय के मूत्र में थोड़ा गाय का शेन मिलाए ना तो और अच्छी जोरदार परिणाम आते हैं। तो हम सब शेतकरी समाज के नागरिकों को ये बताना शुरू कर दें कि भाई तुमको अगर औषधि चाहिए तो गोमूत्र पियो, कोई भी रोग में मदद करता है। और मैंने आपको कहा कि 6 साल से मैं गोमूत्र पर बहुत परीक्षण किया है, सभी रोगों का इलाज गोमूत्र से होता है, ऐसा एक भी रोग नहीं है जिसका इलाज ना हो। आप खुद करके देखो फिर दूसरों को बताओ। तो इस तरह से अगर हम गांव गांव ये प्रचार शुरू करेंगे तो इस देश में अगले 2 साल 3 साल 5 साल में कोई क्रांति होगी, और देश में नहीं होगी तो महाराष्ट्र में तो होगी कम से कम। आप जितने भी वारकरी समाज के लोग हैं गांव गांव जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, बीच बीच में अगर ये सब बताना आपने शुरू कर दिया बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इस दृष्टि से मैं आपके पास आया, कल भी मैं आपके पास रहूंगा, कल सवेरे 2 घंटे और आपसे बात करूंगा, शाम को भी बात करूंगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न आए कल जरूर पूछना, प्रश्न लिख के लाना, कोई शंका हो उसका समाधान करना, और ये सब आप करेंगे इसलिए ताकि आप दूसरों को करा सकें। तो इस दृष्टि से ये सब मैंने आपको बताया, हमने खुद ये अभियान शुरू किया है और इस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम, आज तक 18,000 शेतकरी बांधवों को मैंने ये सिखाया गाय का श्वेन गोमूत्र वापरना, वो सब श्रीमंत हो गए, पहले कर्जदार थे अब श्रीमंत हो गए, उनका जीवन बहुत सुखी है, पहले बैंक का कर्जा लगा हुआ था
अब वो इस स्थिति में है कि कर्जा दे सकते हैं, साहूकार हो गए, खर्चा कम हो गया, उत्पन्न जास्ती हो गया, रोग कम हो गए, बीमारियां कम हो गई, घर सुखी संपन्न हो गया, शुद्ध गाय का दूध पीते हैं, शुद्ध तूप खाते हैं, मन बुद्धि सच सब विचार अच्छे रहते हैं, तो ये सब उनके जीवन में परिवर्तन आया है। अगर हम सभी शुद्धकारी समाज को ये करें तो उनका भी जीवन सुखी संपन्न होगा। तो इस दृष्टि से हम ये अभियान भारत में चलाते हैं और इसी अभियान में आप सब सहयोगी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं ये आया, आपको ये सब सुनाया, आपने सुना, मैं आपका आभारी हूं। अब ये जो विषय मैंने आपके सामने लिया, इस विषय पर अगर जास्ती अभ्यास आपको करना हो तो हमने कुछ पुस्तक बनाई है। एक पुस्तक बनाई है पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के मूत्र से, गाय के श्वेन से क्या क्या औषधि बनती है, किस किस रोग में काम आती है। मैंने आपसे कहा संधिवात है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, नपुंसकता है, जितने भी तरह के रोग हैं उसमें गोमूत्र गाय के श्वेन से क्या औषधि बनती है, कैसे उपयोग करते हैं। और दूसरी पुस्तक बनाई है शेतकरी समाज के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए, कि गाय का श्वेन गोमूत्र को खेती में कैसे वापरना और जास्ती से जास्ती उत्पन्न कैसे लेना, कम से कम खर्चे में जास्ती उत्पन्न कैसे लेना। तो मैंने तो आपको दो फॉर्मूले बताए थे, उस पुस्तक में ऐसे 100 फॉर्मूले हैं, 100 चिकित्सा के लिए और खेती के, वो यहां पर है, आप चाहे तो ले सकते हैं। पीछे एक बाजू में स्टॉल है उधर ट्यूबलाइट के पास। ये पुस्तक को आप पढ़कर अभ्यास करके सुनाना और कहना शुरू करेंगे, बहुत लाभ इसका होगा। और इसी विषय पर अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे हमारा स्वयं पाक घर है ना, स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधि है, मेथी का दाना है, जीरा है, धनिया है, हड़द है, तुलसी है, आल है, पांडर कांदा है, सफेद प्याज है, ऐसी स्वयं पाक घर में 148 औषधि है, उनसे भी चिकित्सा होती है। और गोमूत्र चिकित्सा और वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, तो वो चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं बिना डॉक्टर की मदद से, उस विषय पर भी पुस्तक है। सौंदर्य चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा, स्वयं चिकित्सा, ऐसी ऐसी 8-10 तरह की पुस्तकें हैं। आप लीजिए, अभ्यास करिए, दूसरों को बताइए। और ये अगर आपके मन में बैठता है विषय तो इसमें आप उतर जाइए, जहां भी जाए किसी से चर्चा करें, इस विषय पर जरूर बात करें। कहीं भी गांव में, शहर में, कीर्तन में, भजन में, संवाद में, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को बोलने सुनने में, कहीं भी कुछ हो, जरूर ये बात करिए। तो ये बात का जितना ज्यादा फैलाव होगा उतना ही हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए लाभदायी होगा। इतना ही मुझे आपसे कहना था, आपने बड़े ध्यान और शांति से सुना, मैं आपका आभारी हूं। और कल आप जब आएंगे तो और भी आपसे कुछ बातें करूंगा। आप आएंगे तो कल प्रश्नों के साथ आएंगे, प्रश्न लिख कर लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, प्रश्नों के उत्तर दूंगा और कुछ नई नई बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जो पुस्तकें लेना ले लीजिए। गाय का कत्ल होने के बाद मांस उत्पन्न होता है, वो बाजार में बिकता है और मांसाहारी लोग उसे भरपूर खाते हैं। भारत में लगभग 20% प्रजा जो है ना मांसाहारी है, 20% प्रजा भारत में ऐसी है जो हर रोज मांस खाती है, सुबह शाम सुबह शाम। तो ये जो मांसाहारी प्रजा है, इसको गाय का मांस भी लगता है, मछली का भी, बैल का, बछड़े बछड़ी, मुर्गा मुर्गी, सब तरह का मांस वो खाते हैं। तो कत्ल होने के बाद जो मांस उत्पन्न हुआ वो तो मांसाहारी लोगों के काम आया। और एक और काम होता है कि ये जो मांस होता है इसमें से तेल निकलता है और उस तेल को अंग्रेजी भाषा में टैलो कहते हैं, तेल हिंदी में कहते हैं, टैलो कहते हैं अंग्रेजी में। गाय के मांस का जो तेल है, बीफ टैलो है वो, ऐसे ही मछली के मांस का, भैंस के मांस का, दूकर के मांस का, वो पोर्क टैलो है। तो ये जो तेल निकालते हैं वो तेल का सबसे जास्ती वापर होता है, सबसे जास्ती उपयोग होता है क्रीम बनाने में। हमारे
आजकल के पढ़े लिखे लोग घर घर में जो चेहरे में लगाने वाला क्रीम वापरते हैं ना, फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स आदि आदि, ये ज्यादातर क्रीम में मांस से निकाला हुआ तेल वापर होता है, इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर बाजार से कोई शुद्ध तेल खरीदे, जैसे खोपरे का तेल, नारियल का तेल, तो अच्छी क्वालिटी का 80 रुपए किलो है। तिल का तेल खरीदे वो भी 70-80 रुपए किलो है। लेकिन ये जो गाय की चर्बी से, भैंस की चर्बी से निकाला हुआ तेल है वो 40 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, तो ये सस्ता पड़ता है। और इस गाय भैंस की चर्बी से निकाले हुए तेल का क्रीम बनाने में जास्ती अच्छे से वापर हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से उसका उपयोग हो सकता है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। तो ये जितने भी कतल खाने चलते हैं, इन सब कतल खानों में मांस और मांस के साथ तेल, ये दोनों अलग अलग निकलता है। तेल का उपयोग क्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक्स में होता है, मांस खाने में जाता है। फिर जो खून निकलता है, उस खून का भी भरपूर उपयोग होता है औषधि बनाने में। गाय के शरीर से निकला हुआ खून, मछली के शरीर से निकला हुआ खून, बैल बछड़ा बछड़ी के शरीर से निकला हुआ खून, उससे एक दवा बनती है और वो दवा बाजार में भरपूर बिकती है, उसका नाम है डेक्सोरेंज। ये औषधि को सभी डॉक्टर लिखते हैं क्योंकि ये औषधि लिखने में कमीशन बहुत मिलता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर कमीशन के लालच में ये औषधि लिखते हैं। और ये औषधि का उपयोग जास्ती से जास्ती उन महिलाओं को किया जाता है जो गर्भावस्था में होती है। गर्भावस्था में जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको रक्त की कमी अक्सर होती है, तो रक्त की कमी दूर करने के लिए पशुओं के रक्त से बनी हुई दवा, वही सबसे ज्यादा डॉक्टर उन्हें देते हैं, तो रक्त का ये उपयोग होता है। और एक और उपयोग है रक्त का, कि ये जो पशुओं का रक्त है, इससे बहुत बड़े पैमाने पर लिपस्टिक बनती है, वो जो कोट पे लगाते हैं, बहुत लिपस्टिक बनाने में इसको वापर करते हैं। फिर इसी रक्त से चाय बनाने वाली कंपनियां भी अपने चाय में इस रक्त का उपयोग करती हैं। क्या होता है कि ये जो चाय होती है ना, वो तो पौधे से आती है। चाय का पौधा इतना ही बड़ा होता है जितना गेहूं का पौधा होता है, उसमें पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसको सुखाते हैं, तो पत्तियों को सुखा के पैकेट में बंद करके परदेश में बेचा जाता है। और पत्तियों के नीचे का जो छोटा छोटा टूटकर गिरता है डंठल जो होता है, आखिरी हिस्सा, उसको सुखा के डिब्बे में बंद करके भारत में बेचा जाता है। लेकिन ये जो पत्तियों के अंत का छोटा सा हिस्सा है, ये चाय नहीं है। चाय तो वो पत्ती है, तो फिर क्या करते हैं, चाय जैसा उसको बनाते हैं। तो सामान्य रूप से वो पत्तियों के छोटे छोटे डंठल तोड़कर अगर सुखाकर हम पानी में डालें, उबालें, तो उसमें चाय जैसा रंग नहीं आता। तो फिर ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये जानवरों के शरीर से निकला हुआ जो खून है, इस खून को उसमें मिला के सुखा के फिर डिब्बे में बंद करके बेचते हैं उसे। और तकनीकी भाषा में, बाजार में इसको टी डस्ट कहते हैं, चाय की धूल। एक होती है चाय और एक चाय की धूल, टी और टी डस्ट। तो टी डस्ट में ज्यादातर ये उपयोग होता है, जानवरों के शरीर से निकाला हुआ खून, तो उसमें एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और एक उपयोग इसका है रक्त का, वो नेल पॉलिश बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, नेल पॉलिश बनाने में, चाय में, तीन उद्योगों में इसका सबसे जास्ती उपयोग होता है रक्त का। मांस का उपयोग खाने में जाता है, खाने वाले लोग लेते हैं। मांस में से निकाला हुआ तेल का उपयोग क्रीम पाउ क्रीम बनाने में होता है, फेशियल क्रीम जिसको कहते हैं। अब हड्डियां जो निकलती हैं,
उन हड्डियों का सबसे जास्ती उपयोग दो जगह होता है, एक तो शेविंग क्रीम बनाने में और एक टूथ पाउडर टूथपेस्ट बनाने में। जितने भी टूथपेस्ट बाजार में मिलते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये सब मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। शरीर के जब जानवर के शरीर का कत्ल होता है तो हड्डियां जो निकलती हैं उनको धूप में सुखाते हैं, सुखाने के बाद एक बोन क्रशर मशीन होती है उसमें डालकर उसका पाउडर बनाते हैं, फिर उसी पाउडर से टूथपेस्ट बनता है, टूथ पाउडर बनता है। और इन्हीं हड्डियों का पाउडर का उपयोग एक और जगह होता है, शेविंग क्रीम बनाने में। और आजकल इन हड्डियों के पाउडर का एक और उपयोग होने लगा है, वो टेलकम पाउडर जो लगाते हैं स्नान के बाद लोग लगाते हैं, उसमें भी अब इसका उपयोग होने लगा है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे तो टेलकम पाउडर पत्थर से बनता है, पत्थर को पीस के जो पाउडर निकलता है उससे टेलकम पाउडर बनता है वैसे, लेकिन आजकल पत्थर का पाउडर 60-70 रुपए किलो है और गाय की हड्डियों से निकाला हुआ 20-25 रुपए किलो है, तो ज्यादातर उद्योग चलाने वाले लोग उसको वापरते हैं। अब गाय के शरीर के ऊपर का जो चमड़ी होती है, स्किन जो है, वो सबसे ज्यादा उपयोग होती है क्रिकेट का बॉल बनाने। क्रिकेट वो होता है ना, क्रिकेट खेल, उसमें एक बॉल होती है लाल रंग की, अभी सफेद रंग की भी आने लगी। तो ये जो क्रिकेट की बॉल है ये गाय की चर्बी के माने गाय की चमड़ी से ही बनती है। और गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं, बछड़े बछिया, उसकी चमड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बॉल बनाने। दूसरी एक होती है फुटबॉल, क्रिकेट बॉल तो छोटी है, फुटबॉल तो बड़ी है, तो फुटबॉल बनाने में भी यही चमड़े का उपयोग होता है, गाय का चमड़ा, भैंस का, उनके शरीर का जो चर्बी है, चर्म है, उसका उपयोग होता है। आजकल और एक उद्योग में इसका बहुत उपयोग होता है, जूते चप्पल बनाने। अगर आप बाजार से कोई ऐसा जूता चप्पल खरीदते हैं जो चर्म का है, चमड़े का है, लेदर का है और बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो 100% गाय की चर्म का होता है। सॉफ्ट है अगर, मुलायम है तो गाय का चर्म है, और अगर थोड़ा हार्ड है, कड़क है, तो मछली का है, भैंस का है। जास्ती हार्ड और जास्ती कड़क है तो ऊंट का होता है, घोड़े का, ऊंट का, बहुत कड़क होता है। तो एक बहुत बड़ा उपयोग ये चमड़ा, जूते चप्पल इसमें बनाने। पर्स बनाने में बहुत इसका उपयोग होता है, बेल्ट बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है, जो लोग अक्सर बेल्ट बांधते हैं पेंट में, पर्स रखते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। और अभी इससे और भी कई वस्तुएं बनाना शुरू किया है, सजावट की बहुत सारी वस्तुएं जो घरों में रखी जाती हैं, शो पीस के नाम पर जिनको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बहुत कुछ गाय के चर्म से, मछली के चर्म से, बैल आदि आदि के चर्म से बनते हैं। तो गाय और गाय जैसे जानवरों का जब कत्ल होता है तो 5 वस्तुएं निकलती हैं, एक तो मांस निकला, मांस खाने में गया, दूसरा मांस में से तेल निकला, तेल का कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हुआ, फिर खून निकला, खून का इस्तेमाल 3 जगह मैंने आपसे कहा, चाय में और दवा बनाने में और लिपस्टिक और नेल पॉलिश बनाने में। हड्डियां निकली, हड्डियों का उपयोग टूथ पाउडर, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम इसमें बहुत ज्यादा, और टेलकम पाउडर। तो ये जो भी शरीर में से निकले हुए अंग हैं इन सबका भरपूर उपयोग है और इसका बहुत बड़ा बाजार है इस देश में। प्रतिवर्ष मैंने आपसे कहा 36,000 कत्ल खाने हैं और करीब 4.5 करोड़ गाय, बैल, मछली, बछड़ा, बछिया सभी मिलाकर उनका कत्ल होता है, और उसका प्रतिवर्ष जितना मांस उत्पन्न होता है वो बिकता है, जितना चर्म निकलता है वो बिकता है, खून निकलता है वो बिकता है, अलग अलग जगह पर इन सबका उपयोग होता है। अभी गाय के शरीर के अंदर के कुछ अंग हैं
उनका भी बहुत उपयोग होता है। जैसे गाय के शरीर में एक बड़ी आंत होती है, हमारे शरीर में जैसे बड़ी आंत है वैसे गाय में भी होती है, तो गाय के शरीर को जब काटते हैं तो बड़ी आंत उसमें से अलग निकालते हैं और उस बड़ी आंत को पीसकर चटनी बनाकर एक केमिकल निकालते हैं, उसका नाम है जिलेटिन। और वो जिलेटिन बहुत ज्यादा उपयोग होता है आइसक्रीम बनाने में, वही जिलेटिन का बहुत अधिक उपयोग होता है चॉकलेट बनाने में, टॉफी बनाने में, टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम उसी जिलेटिन का भरपूर उपयोग होता है। आजकल वो नए नए तरह के खाद्य पदार्थ आए हैं, मैगी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब नए नए तरह के भोज्य पदार्थ हैं, प्रदेश से आए हुए हैं, इनमें भरपूर उपयोग होता है जिलेटिन। और जिलेटिन गाय के शरीर की बड़ी आंत को चटनी बनाकर उसमें से निकाले हुए रस से बनता है। इस जिलेटिन का उपयोग आजकल और भी कई खाद्य पदार्थों में करने लगे हैं, खासकर आपने वो देखा साबूदाना, एक आता है साबूदाना जिसको अक्सर हम उपवास में खाते हैं, उसमें अब इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा है। तो बहुत सारे खाने पीने की वस्तुओं में ये सब चीजें उपयोग आती हैं। अब दुर्भाग्य हम सबका ये है कि हम सब अपने को शाकाहारी मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसी वस्तुएं खाते पीते हैं जिसमें ये सब मांसाहारी सब पदार्थ मिले होते हैं। अब जैसे चाय पीते हैं तो चाय पीने वाला अपने को कहे कि मैं शाकाहारी हूं तो मुझे हंसी आती है उस पर, क्योंकि चाय बनाने में ही जो खून है, रक्त है, वो मिलाया गया है और उसका हम वापर कर रहे हैं। कोई कहता है कि जी मैं तो उपवास रखता हूं लेकिन साबूदाने की खिचड़ी खाता हूं, तो मुझे हंसी आती है कि साबूदाने की खिचड़ी में जिलेटिन है और जिलेटिन तो गाय के शरीर से निकाली गई बड़ी आंत में से मिलता है। कोई कहे मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं लेकिन फेयर एंड लवली लगाता हूं, तो फेयर एंड लवली तो गाय के मांस में से निकाले हुए तेल से बनती है, तो वो कैसे शाकाहारी हो सकता है। तो ये ऐसे अलग, कोई कहता है कि मैं संपूर्ण शाकाहारी हूं लेकिन सवेरे सवेरे टूथपेस्ट घिसता हूं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबा का, फॉरेस्ट। कोई कहता है मैं टूथ पाउडर घिसता हूं। तो वास्तव में यह है कि अगर हमें सही माहिती है तो शायद हम इससे बच सकते हैं। तो सचिन भाई ने बोला कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बनता है गाय के शरीर से, वो यही सब वस्तुएं गाय के शरीर से बनती हैं जो ऐसी चीजों में उपयोग होती हैं जिन चीजों को भारत के लोग बहुत जाहिरात देखकर खाते पीते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि इससे बचने के लिए क्या करना है, बहुत लोग कहते हैं, तो उसका एक सरल माहिती मैं आपको देता हूं। जो वस्तु का जाहिरात टीवी में आया वो नहीं लेना तो आप बच जाएंगे। जो वस्तु का टीवी में बहुत जाहिरात आता है वो वस्तु कभी नहीं लेना तो आप इससे बच पाएंगे। जैसे चॉकलेट का बहुत जाहिरात आता है, कैडबरीज, नेस्ले आदि आदि, वो नहीं लेना। ऐसे ही क्रीम पाउडर का बहुत जाहिरात आता है, लैक्मे, इरेस्मे, इमामी, पॉन्स, फेयर एंड लवली, वो नहीं लेना। चाय कॉफी का बहुत जाहिरात आता है, वो नहीं लेना। जिन वस्तुओं का जाहिरात जास्ती है समझ लो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसमें बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि जाहिरात उसी वस्तु का होता है जिसमें धोखा होता है। और जो वस्तु संपूर्ण निरापद होती है और शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, उपयोगी होती है, प्रकृति से आती है, उसका जाहिरात कभी नहीं होता। जैसे टीवी चैनल पर आप बार बार देखते हैं पेप्सी कोक थम्सअप का जाहिरात तो होता है, लेकिन ऊस के रस का जाहिरात होता है, नारियल पानी का, लींबू शिकंजी, दही का ताक, गाय का दूध, उसका जाहिरात नहीं होता, लेकिन पेप्सी कोक का भरपूर होता है। तो पेप्सी कोक में भयंकर धोखा है इसलिए जाहिरात होता है, उसके रस में कोई धोखा नहीं है, नारियल पानी में कोई धोखा नहीं, इसलिए उसका जाहिरात नहीं।
गाय के तूप का जाहिरात टीवी में नहीं आता, लेकिन डालडा वनस्पति घी इसका भरपूर जाहिरात टीवी में आता, क्योंकि उसमें धोखा है। तो जो वस्तुओं का जाहिरात टीवी में बहुत जास्ती हो वो नहीं लेना, तो आप इससे बच सकते हैं। और यही माहिती आप दूसरों को देंगे तो उनको भी बचा सकते हैं। अगर कोई अपने को हिंदू कहता है, संपूर्ण 100% हिंदू मानता है, और उसके बाद ऐसी कोई काम करे जिससे ये मांसाहारी वस्तुओं का उसके जीवन में उपयोग हो, धर्म संकट से हम बचें और दूसरों को बचाएं, ये हमें बहुत आवश्यक है। और इसका हम अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो ये हमें समझ में आएगा।